वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. तो गाइज, वेरी गुड इवनिंग गाइज. गाइज चलिए, हम लोग आज के सेशन में हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनसीसीएनसी मशीन्स व्हिच आर एक्चुअली अबाउट हाउ द एनसीसीएनसी मशीन्स वर्क्स, दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ एनसीसीएनसी मशीन. So in that we are going to discuss the two things. One is the open loop control unit and second is your closed loop control unit. So these both these two things which we are going to discuss in the today's session. So guys, we are going to start this very interesting topic, that is control loop and the open loop. So isme hum log kuch hamara control loop elements hota hai, jaise ki aapko isme jaise CNC table hai bachcho, ye suppose kijiye ek CNC table hai और आपको टेबल को डिस्प्लेस करना है सीएनसी के एक सर्टेन एमएम, तो आप उसको कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे. यही क्वेश्चन है यहाँ पे कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, इन टर्म्स ऑफ पल्सेस, इलेक्ट्रिकल पल्सेस. अब ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारा क्या है, कैसे आया, ये हमारा कंसर्न नहीं है जानना, ये इलेक्ट्रिकल वालों का है. हमारा मेन फोकस स्टार्ट होगा बच्चों यहाँ से कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमें मिला एक स्टेपर मोटर को. जैसे ये मोटर चलता है ना, तो एक मोटर हमारे पास है, चाहे एक प्राइम मूवर आप इसको बोल सकते हैं. तो अगर आप एक प्राइम मूवर यूज कर रहे हैं, उसको आपने एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस दिया, अब वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करेगा, रोटेट करेगा. जैसे ही ये रोटेट करेगा, तो उस रोटेशन में जैसे ही ये रोटेट करेगा, तो उसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे बच्चों, एक लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म से. और लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म क्या करेगा, आपको ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट करेगा, जिससे आपका वर्क टेबल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आज के सेशन में आपको कराऊंगा कि बेसिक लेंथ यूनिट बीएलयू क्या है, कंट्रोल रिजोल्यूशंस क्या है, आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल कितना हो सकता है, पल्स जनरेटर कितना पल्स सप्लाई करता है, गियर बॉक्स का इसमें क्या फंक्शन होता है, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म्स में अगर कुछ कुछ चेंजेस करेंगे तो बीएलयू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेबल का स्पीड हमें कितना मेंटेन करना है, इनकोडर क्यों यूज करते हैं, जो फीडबैक डिवाइस होता है आपका यहाँ पे कि कितना फीडबैक पल्सेस वो वापस सर्किट में देगा. तो बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर दोनों का मैकेनिज्म हमारा यहाँ पे क्या है, और भी बहुत सारी चीजों को बच्चों, जैसे आपका पल्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज क्या होता है, बीएलयू कैसे अफेक्टेड हो जाता है हमारा गियर बॉक्स का इस्तेमाल करने से, बहुत सारा, बहुत ही खूबसूरत आज का वीडियो है और बहुत ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, 100% पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है. और आपके गेट के क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज वेल एज द मैकेनिकल, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक में जितना प्रॉब्लम्स है सब का सोल्यूशन विच यू गाइज आर गोइंग टू गेट टूडे एवरीवन. तो दैट द टूडे सेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एवरीवन. तो लेट्स कंटिन्यू गाइज. तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एवरीवन, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो लेट्स क्रैक इट एंड ज्वाइन अनअकैडमी, क्रैक गेट एंड ईएसई विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. एंड बच्चों, मेरा बीटेक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी रांची से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में हुआ है. तो अगर आप मुझसे मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही एक्सपर्टाइज यहाँ पे नॉलेज मिलेगा. और अगर आप मेरा प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट किया अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों. और मेरा जो मास्टर्स है वो आईआईटी कानपुर एमटेक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग. तो बच्चों हम लोग आगे अगर बढ़े तो देखते हैं. तो अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, एवरीवन अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, मेरा कोर्सेज देखना चाहते हैं, मुझसे स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पे पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लें. जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको वहां पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्वीजेज, बहुत सारा क्वीज है बच्चों, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, जितने एडुकेटर से चाहो उतने सारे एडुकेटर से पढ़ सकते हो. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, पर्सनल कोच भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी ट्रैकर जो आपके स्टडी को ट्रैक करेंगे. तो ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको बच्चों मिलेंगे आइकॉनिक में. और जो पर्सनल कोच होगा वो भी एज अ एडुकेटर, जैसे मैं आपको 24/7 गाइड करूंगा ताकि आपकी बढ़िया रैंक आए, ठीक उसी तरह पर्सनल कोच भी आपको बच्चों बहुत अच्छे से गाइड करेगा. तो एवरीवन, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरे से अगर पूछेंगे, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द आइकॉनिक, क्योंकि वो एक तरह का एडुकेटर ही है जो आपको 24/7 क्या करता है, गाइड करता है. साथ में मैं रहूंगा ही,
तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरा कोड यूज करके आप लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो लर्न विद द टॉप एडुकेटर्स, तो दिस इज माई प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में बच्चों मेरा प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर लें अनअकैडमी पे। जैसे ही आप फॉलो करेंगे डिस्क्रिप्शन पे जाके मुझे, तो आप आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा और उस प्रोफाइल पे आप क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे मेरे फ्री कोर्सेज, फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल है। LTQ लर्न थ्रू क्वेश्चन सेशंस अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ वीडियोस आर देयर, आप उसको जाके देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, आपको बहुत मजा आएगा, वहां से आप देख के कर सकते हैं एवरीवन। तो ये हमारे अदर्स एडुकेटर्स के वीडियोज है, इनको भी आप जाके देखिए, और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है, इसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों। और हमारा दूसरा है ये अदर्स एडुकेटर्स की, ये भी है हमारे बच्चों, तो इसको भी आप देखें। तो गेट एंड ESE प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, तो दोनों सब्सक्रिप्शंस वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्रिप्शंस एवरीवन, तो ज्वाइन दिस एंड द प्लस प्लान। तो प्लस प्लान को अगर आप देखेंगे बच्चों, तो प्लस प्लान में आपका जो कॉस्ट है 12 मंथ्स का वो है 30,250 रुपीज, 12 मंथ्स का कॉस्ट। और अगर आप आइकॉनिक में, अगर आप इसमें IAZ10 कोड यूज करते हैं, AYAZ10, IAZ10 कोड यूज करने पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही मैं बन जाऊंगा आपका मेंटर, मैं आपको 24/7 गाइड करूंगा बच्चों, हर वक्त मैं बताऊंगा कि आपको आज क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप वॉट एवर यू विल से, आई विल गाइड यू, कंप्लीटली गाइडेंस यू विल गेट फ्रॉम मी। तो आपको 27,225 रुपीज आपको 12 मंथ का कॉस्ट पड़ेगा बच्चों। तो ये दोनों कॉस्ट बहुत ही बढ़िया है, और आपका आपका जो यहाँ पे 12 मंथ्स का जो कॉस्ट है, अगर पर मंथ्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप वन टाइम पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, तो EMI ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2269 रुपीज, लगभग 2200 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा बच्चों। तो नेक्स्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आइएगा, तो 12 मंथ्स का आपका कॉस्ट है 50,250 रुपीज, 50,250 रुपीज। और आपका यहाँ पे भी अगर आप IAZ10 कोड यूज करते हैं बच्चों, तो 10% यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट्स गेन करके आप यहाँ पर भी 45,225 रुपीज में आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और IAZ10 कोड यूज करके यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स आपको मिलेगा बच्चों। और अगर आप वन टाइम पेमेंट के लिए कैपेबल नहीं है, तो EMI ऑप्शन सेलेक्ट करके मंथली पेमेंट्स भी कर सकते हैं 3,769 रुपीज का। तो वॉट एवर आपके लिए कन्वीनियंट हो बच्चों, उसको आप यूज कीजिए और इन्जॉय कीजिए इंडिया के बेस्ट लर्निंग को एवरीवन। तो बाय, थैंक वेरी। तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आप आइकॉनिक और प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन में से जो भी आपको बेस्ट लगे उसको लीजिए और इंजॉय कीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसका 10 times बेटर आपको प्लस पे मिलेगा बच्चों, बहुत बेटर मिलेगा। तो प्लीज एवरीवन ज्वाइन मी ऑन द प्लस बाय यूजिंग दिस कोड। एंड ये हमारा बच्चों एक ये है, तो स्लाइड में चलिए बच्चों, तो हमारा एक ESE का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा आपको, राइट। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, गेट का नया बैच स्टार्ट हुआ, दोनों बैचेस आप देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत बेहतरीन बैच है, और बैच एकदम रेगुलर चल रहा है ऑफलाइन की तरह, उस बैचेस में एकदम सिंक्रोनाइज है, अपने आप को एनरोल कराइए, मेरा कोड यूज कीजिएगा, तो बैच में मैं तो पढ़ाऊंगा ही, साथ ही साथ आपको पर्सनल भी कोई भी डाउट हो तो आप बिंदास मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए बच्चों, ओके। तो चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग अपना, दैट इज योर NCCNC पार्ट 2। गाइज रेडी? तो अगर रेडी है तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है जो मुझसे लगातार पढ़ते हैं, और वो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इसे, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं अभी थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस करूंगा और उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा 2-3 बचा हुआ था, कल मैंने एम कोड आपको नहीं बता पाया था, तो एम कोड आप इसको देख लीजिए, और एम कोड बच्चों आप इसको याद कर लेंगे, एम कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जी कोड्स मैंने कल बता दिया था आपको, तो एम कोड्स आप याद कर लेंगे, राइट। तो जी कोड सबको याद होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा एक्सेलरेशन का क्या होता है, जल्दी से कोई लड़का, व्हाट इज द जी कोड्स ऑफ एक्सेलरेशन, जल्दी से बता दीजिए, एक लड़का व्हाट इज द जी कोड्स फॉर एक्सेलरेशन, कोई लड़का बता दीजिए मुझे व्हाट इज द जी कोड्स फॉर एक्सेलरेशन। देखिए ये हमारे पास है बच्चों, दैट इज योर M03। तो ये कुछ कोड्स है जितना मैंने लिखा, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा ये पाइथागोरस वाला याद रखिएगा, 3-4-5 पाइथागोरस में ट्रायंगल होता है ना, 3-4-5, तो उस तरह आप इसको याद रखेंगे एवरीवन, दैट इज द पाइथागोरस, मैंने इसी तरह याद किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा लाइक दिस, तो आपको मालूम है जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है,
तीन चार पांच, राइट। तो इस तरह आप याद कर लें, M03 मतलब स्पिंडल क्लॉकवाइज, पहला वाला क्लॉकवाइज, दूसरा वाला चार मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और पांच मतलब ऑफ, पांच मतलब ऑफ। तो तीन मतलब स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, चार मतलब स्पिंडल रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज, और पांच मतलब स्पिंडल स्टॉप। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या है, टूल चेंज, टूल चेंज M06 से क्या हो जाता है, टूल चेंज आपका हो जाएगा। M08 से कूलेंट ऑन, राइट। कहीं कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि M07 मतलब कूलेंट वन ऑन, M08 मतलब कूलेंट टू ऑन, तो उससे आप टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, मेरा एक्सपीरियंस जितना कहता है मुझे ये सब तो आएगा नहीं गेट में, गेट में जो आएगा इसी से आएगा एवरीवन, राइट। तो कूलेंट वन ऑन, कूलेंट टू ऑन एंड M09 इज द कूलेंट ऑफ, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, तीन चार पांच वाला ही मेनली इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम नॉलेज में रखिएगा, तीन चार पांच यही आएगा और हर एग्जाम में आता है। सर मॉक टेस्ट में 55 ही आ रहा है, क्या करें, 55 ही आ रहा है तो इसका मतलब कहीं गलती कर रहे होगा ना। कम से कम इन द वर्स्ट केस भी दोस्त 65 के ऊपर लाओ, 65-70 के नजदीक लाओ, 65-70 के नजदीक लाओ, राइट। इन द वर्स्ट केस आकाश, उससे कम में नहीं होगा। चलिए चलिए बच्चों, ये आप जी कोड्स मैंने कल लिखवा दिया था, आज मैंने एम कोड्स आपको बता दिया, तो ये कोड्स याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास गाइज, देखिए एवरीवन, एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इट विल बी लाइक दिस। आकाश जैन सर 65 नहीं आए तो, 65 नहीं आए तो मतलब तो थोड़ा सा तो चिंता का विषय है, लेकिन एग्जाम सही से देना। ऐसा तो देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जानबूझ के तुम नहीं ला रहे, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हो ना। ट्राई टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स, व्हाट यू आर डूइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हाइल अपियरिंग इन द टेस्ट, तो प्लीज ट्राई टू मिनिमाइज योर मिस्टेक, उस पर थोड़ा वर्क करो, घबराओ नहीं, एकदम नहीं घबराओ आकाश, एकदम नहीं घबराओ, कुछ कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो, बस ट्राई टू मिनिमाइज दैट एरर, ओके। चलिए देखिए बच्चों, ये गेट 2012 का एक क्वेश्चन है और ये मैकेनिकल में भी आया है और ये पीआई में भी आया है। क्या कह रहा है, ए सीएनसी वर्टिकल मिलिंग मशीन, ए सीएनसी वर्टिकल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन आप जानते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, इसका एग्जांपल क्या है, हैज टू कट ए स्ट्रेट स्लॉट ऑफ 10 mm विड्थ एंड 2 mm डेप्थ बाई ए कटर ऑफ 10 mm डायमीटर। सर मॉक टेस्ट बहुत हार्ड आता है, बहुत टफ होता है। अरे अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, चलो क्या बोल दो तुम। अच्छा एक बात बताओ आकाश जैन, ये बताओ, मैंने यहाँ पे जितना लेक्चर लिया है अभी और जितना मशीनिंग में, सारे न्यूमेरिकल्स मेरे से बिना पढ़ाए क्या तुमसे बन जा रहे थे सारे न्यूमेरिकल्स? तुम मेरा मॉक जाके देखो, कम से कम मैंने 125 न्यूमेरिकल करा दिया अभी यहाँ पे यूट्यूब पे, तुम जाके देखो क्या, अगर सारे न्यूमेरिकल तुमसे बन जाते हैं इजिली देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर तुमसे इजिली बन रहे हैं तो टेस्ट में क्यों नहीं बन रहा है, ये मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा फिर। अगर नहीं बन रहा है तो उसको पढ़ो, देखो कहां पे मैक्सिमाइज कर सकते हो, उस पे काम करो। अभी टाइम है, 5 नंबर और बढ़ाओ, अगर नहीं बन रहा है तो 5 से 7 नंबर और बढ़ाने का कोशिश करो। चलो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, ओके। चलिए चलिए एवरीवन, इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाइए सारे लड़के, जल्दी से मुझे आंसर बताइए एवरीवन, दोज़ हू आर वॉचिंग टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस। देखिए क्या कह रहा है, ए सीएनसी वर्टिकल मिलिंग मशीन हैज टू कट ए स्ट्रेट स्लॉट ऑफ 10 mm विड्थ विद अ 2 mm डेप्थ बाय बाय दिस लाइक दिस। द फीड रेट फॉर द मिलिंग इज दिस, फीड वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, द मिलिंग टाइम फॉर द स्लॉट। तो आपको मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि कोई भी मशीनिंग टाइम क्या होता है, एल इफेक्टिव मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मशीन टूल, राइट right? जितना टूल जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपॉन द फीड वेलोसिटी। तो आप अगर देखेंगे तो आपको करना कहां से कहां तक है बच्चों, तो इसमें भी आपको ग्राफ थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ अगर आप बनाते हैं इस क्वेश्चन का भी, तो देखिए गौर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मदद लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम मदद लेंगे, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई बच्चों, राइट। तो आपसे कह रहा है कि 2 mm डेप्थ ऑफ कट है, 10 mm कटर है, बिटवीन 0.0 and 100.100। चलिए 0.0 and 100.100, तो 0.0 and 100.100, ओके। तो दिस इज योर 100, ओके, दिस पॉइंट इज योर 100 बच्चों, राइट, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो योर 100,
चलो तो ये तुम्हारा ऐसा आ रहा है लाइक दिस, तो ये तुम्हारा इस तरह का आ जाएगा बच्चों, मतलब आपको यहां से यहां तक एक स्लॉट बनाते हुए जाना है, राइट, कि आपको एक स्लॉट बनाना है यहां पे, यहां से यहां तक एवरीवन आपको एक स्लॉट बनाना है 100, 100 तक, ओके। तो चलिए देखिए, तो अगर आप ये बनाना है तो आपका जो टूल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एवरीवन, तो आप यहां से यहां तक जाएंगे लाइक दिस, यही जाएंगे ना, यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक जाएंगे, आपको एक स्लॉट बनाना है। तो स्लॉट के बारे में ही बोल रहा है ये, ऐसा है मान लीजिए, मैं उतना स्लॉट का फोटो एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ बच्चों, उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि ये मान लीजिए आपको एक स्लॉट बनाना है इस तरह का लाइक दिस, तो ये आप एक स्लॉट बना रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप एक स्लॉट बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका स्लॉट जो है, ये जो है आपका टोटल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, तो दिस इज योर 100, दिस इज योर 100, मतलब ये कितना है 100√2, राइट। तो ये आपका बच्चों 100√2, मतलब एल इफेक्टिव जो होगा आपका, इस जगह से कहानी शुरू होगी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, राइट। और फीड आप इसी के अलोंग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं फीड, आप फीड इसी के अलोंग दे रहे हैं बच्चों, दैट इज योर फीड वेलोसिटी लाइक दिस। तो फीड वेलोसिटी दे रहे हैं कितना, दैट इज योर 50 mm/min 50, यही है ना, 50 mm/min। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, दिस इज योर mm, 50 mm/min, दिस इज योर फीड एंड दिस विल बी योर इन mm। तो आपको डिस्टेंस भी मालूम है कितना ट्रेवल करना है, तो आपको मालूम है टाइम बहुत इजीली निकल जाएगा यहाँ पे, द टाइम विल बी, दैट इज एल इफेक्टिव 100√2/50, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 2√2, करेक्ट। तो आपका टाइम आ गया बच्चों, इट विल बी योर 2√2, मतलब हो गया 1.414 इंटू टू, मतलब 2.828 मिनट, करेक्ट। तो ये आपका आ गया 2.828 मिनट। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द राइट आंसर बच्चों, यू आर गोइंग टू गेट द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, 2.828 into 60, दिस वी आर गोइंग टू गेट 169.68 mm सेकेंड, सॉरी, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 170 सेकेंड, राइट। तो आई एम नॉट कंसिडरिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कंपल्सरी डिस्टेंस इन दिस, कंपल्सरी डिस्टेंस को बच्चों मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 170, राइट। तो 170 आ रहा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, 170। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं इसको। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, जिसको आप कर सकते हैं वन बाई वन, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, ओके एवरीवन। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन देखेंगे और चलिए आगे देखते हैं, दैट इज योर कंट्रोल लूप यूनिट। देखिए आज का जो हमारा सेशन है, आज का हमारा टॉपिक जो है, दैट इज योर कंट्रोल लूप यूनिट। कंट्रोल लूप यूनिट, CLU, जो हमें देखना है आज, कंट्रोल लूप यूनिट। आप बोलेंगे कि सर ये कंट्रोल लूप यूनिट एक्चुअल में है क्या? तो ये कंट्रोल लूप यूनिट जो है बच्चों, एक बार मैं थोड़ा लिंक शेयर कर दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएं और जुड़ जाएं हमारे साथ एवरीवन, एक बार मैं इसे शेयर कर दूं। एक बार मैं शेयर कर दे रहा हूं,
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम लोग। दो मिनट मुझे दीजिए एवरीवन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। चलिए एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। चलो बच्चों, कंट्रोल लूप यूनिट। कंट्रोल लूप यूनिट क्या है? इट कंटेन्स ऑल द डिवाइसेस फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड मोशन अलोंग एन एक्सिस। मतलब एक रिक्वायर्ड मोशन, अगर एक पार्टिकुलर मोशन आपको अचीव करना है तो उसके लिए जितना डिवाइस का आप यूज करेंगे उस सारे डिवाइस को एक अच्छे ढंग से एक एक्सिस के अलोंग जो आप एडजस्ट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल लूप यूनिट। अब ये कंट्रोल लूप यूनिट आपका दो तरह का होता है, एक आपका हो सकता है क्लोज लूप, एक हो सकता है ओपन लूप। तो दोनों को हम लोग देखेंगे बच्चों, क्लोज लूप और ओपन लूप। तो पहले इसके बारे में समझ लें कि ये क्या है। तो इट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस, इट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड मोशन, राइट? इट कंटेन्स ऑल डिवाइसेस फॉर अचीविंग द रिक्वायर्ड मोशन अलोंग एन एक्सिस, राइट? तो कोई भी कंट्रोल लूप यूनिट होगा जिसमें सारा डिवाइस रहेगा। कौन कौन सा डिवाइस रहेगा? जैसे पल्स जनरेटर आपका हो सकता है, गियर बॉक्स हो सकता है, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म होगा आपका, और स्टेपर मोटर होगा या सर्वो मोटर होगा, राइट? तो चलिए, तो ऑल डिवाइसेज में अगर वन बाई वन बात करें कि कंट्रोल लूप एलिमेंट्स की, कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, तो कंट्रोल लूप एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट होता है कंट्रोल लूप में, तो सारे एलिमेंट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है बच्चों। तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका, दैट इज योर पल्स जनरेटर। जो पहला कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल लूप में आपका जो एलिमेंट्स होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज योर पल्स जनरेटर। तो ये पल्स जनरेट करेगा, इसको इनकोडर भी आप बोल सकते हैं, पल्स जनरेटर, राइट? तो सबसे पहला एलिमेंट यही होगा बच्चों, पल्स जनरेटर। आप चैट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं जो भी डाउट हो एवरीवन। तो पल्स जनरेटर, क्या है? इट सेंड्स पल्स कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली, जैसे आपको एक मोटर को नचाना है सर्टेन आरपीएम में, तो एक मोटर को अगर आपको नचाना है सर्टेन आरपीएम पे तो आपको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा, पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? पल्स के फॉर्म में। तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? पल्स जनरेटर से। तो पल्स जनरेटर क्या करेगा? इट सेंड्स पल्स कंटिन्यूअसली एट अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये पल्स सप्लाई करता रहेगा किसको? स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर को। तो इट सेंड्स रोहित सर, नॉन कन्वेंशनल के न्यूमेरिकल भी कराओ। रोहित जी, आप न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं क्या? आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारा का सारा न्यूमेरिकल करा दिया। करीब 40 न्यूमेरिकल्स कराया है नॉन कन्वेंशनल पे। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ईसीएम, ईडीएम, एलबीएम, एब्रेसिव जेट, सब पे न्यूमेरिकल कराया है। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, या डालिए यूट्यूब पे, डालिए अयाज सर ईसीएम, अयाज सर ईडीएम, आ जाएगा। तो पल्स जनरेटर की अगर बात करें बच्चों, तो इट सेंड्स पल्स कंटिन्यूअसली, सर ईडीएम मशीनिंग भी हो गया, हाँ ईडीएम भी हो गया, सारा का सारा हो गया। कंटिन्यूअसली एट अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी टू द
टू द स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, टू द स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर, तो ये दोनों मोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस दोनों मोटर को कंटिन्यूअसली पल्स सप्लाई करता है कौन? पल्स जनरेटर। चलिए दूसरा एलिमेंट बच्चों आपका आएगा पल्स जनरेटर के बाद, जस्ट बाद, राइट? रोहित जी सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ 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 पूरा पढ़ाए हैं, वी डी V is equals to V naught 1 minus e to the power minus t by tau RC, right? Charge voltage, discharge voltage, RC circuit, resistance, capacitance circuit, सारा का सारा आप खुश हो जाएगा मन आपका, आप जाके देखिए तो एक बार, each and everything कराए। चलिए पल्स जनरेटर के बाद हमारा दूसरा एलिमेंट आएगा बच्चों स्टेपर मोटर। क्या आएगा? स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर भी आ सकता है लेकिन मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं बच्चों स्टेपर मोटर के बारे में, कि पल्स जनरेटर के बाद आपका जस्ट कनेक्ट रहेगा क्या? स्टेपर मोटर। तो ये जो मोटर आएगा इट मूव्स इन डिस्क्रीट स्टेप्स, ये डिस्क्रीट स्टेप्स में, जैसे इसको एक पल्स मिलेगा ये एक स्टेप घूम जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पर स्टेप्स, मतलब वन स्टेप्स पर पल्स, तो एक स्टेप ये खट से क्या करेगा? घूम जाएगा। तो इट मूव्स डिस्क्रीट स्टेप्स, इट मूव्स डिस्क्रीट स्टेप्स steps in response to, sorry, in response to, response to voltage pulse, response to voltage pulse as input। तो जो स्टेपर मोटर होगा बच्चों आपका वो क्या करेगा? Which it moves discrete steps, discrete steps क्या करेगा? Move करेगा in response to the voltage pulse। जैसे ही आपको pulse देंगे वो एक certain क्या करेगा? Move कर जाएगा, right? तो it is a device which responds to the input pulse, pulse voltage by carrying one angular steps for every, right? By carrying one angular steps. By carrying one angular steps for every pulse received, तो ये क्या करेगा? Discrete steps में move करता है और एक angular steps, एक step move करेगा every pulse पे, मतलब one steps per pulse, right? One steps per pulse, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि one steps oblique pulse, right? मतलब स्टेपर मोटर में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेपर मोटर होगा क्या, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना स्टेपर मोटर के बारे में। अगर मान लीजिए ये आपका एक मोटर है, राइट, और ये आपका मान लीजिए इसमें स्टेप्स दिया हुआ है, इसमें आपका स्टेप्स दिया हुआ बच्चों, इट विल बी लाइक दिस, इसमें स्टेप्स दिया हुआ, ओके, कुछ सर्टेन स्टेप्स दिया हुआ है मान लीजिए, और ये स्टेप एंगल, ये स्टेप्स है, मान लीजिए ये नंबर ऑफ स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, और दो इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं स्टेप एंगल। क्या बोलते हैं? स्टेप एंगल अल्फा। तो अल्फा क्या हमारा? स्टेप एंगल। तो यहां पर एक टर्म आ जाता है इसमें अल्फा, अल्फा इज योर स्टेप एंगल, इसको आप नॉलेज में रखेंगे एवरीवन, फिर अल्फा इज योर स्टेप एंगल, राइट, अल्फा इज योर स्टेप एंगल क्वेश्चन में देगा, और एनएस मैं बोल रहा हूं एनएस इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये आपका एनएस है यहां पे स्टेपर मोटर में, दैट इज योर नंबर ऑफ स्टेप्स। अब आप ये बताइए मुझे कि अगर आपको मान लीजिए नंबर ऑफ स्टेप्स और अल्फा में रिलेशन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स और अल्फा में, एवरीवन, नंबर ऑफ स्टेप्स और अल्फा में आपको रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वन डिग्री, मतलब वन स्टेप्स अगर आपको निकालना है तो 360 डिग्री में एनएस स्टेप्स होगा टोटल, 360 डिग्री में, मतलब एक टोटल बात करें एन स्टेप्स है हमारे पास 1 2 3 4, मतलब टोटल स्टेप्स जो होगा हमारा कितना होगा 360 एक रिवॉल्यूशन में। तो अगर आप यूनिटरी मेथड बच्चों यहां पर लगाएंगे
तो आप बोलेंगे कि सर ये बात तो आपका सही है कि 360 डिग्री में वन स्टेप, 360 डिग्री में एनएस स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है एनएस, नंबर ऑफ एनएस स्टेप्स, तो वन डिग्री में कितना हो जाएगा, वन डिग्री में बात करें तो एनएस बाई 360, राइट। तो यहां पे अगर एक बार मैं एक बता रहा हूं आपको, एक मिनट रुक जाइए, जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसको ऐसा लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय अल्फा, राइट, 360 डिग्री बाय अल्फा, तो ये मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टेप्स, को याद रखें। तो मैं बोल रहा हूं आपको, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्फा डिग्री में वन स्टेप्स, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स है ना हमारा, तो अल्फा डिग्री जब है तो कितना स्टेप है हमारा, वन स्टेप, क्योंकि एक स्टेप के बीच का एंगल कितना है, अल्फा डिग्री, एक स्टेप्स के बीच का एंगल है ये, देखिए ये एक स्टेप है ना, ये इसके बीच का एंगल है, वन स्टेप एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा। स्टेपर मोटर के बारे में रिसर्च नहीं करना है हमें, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है, बच्चों हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें बस काम है थोड़ा सा रिलेशन का। तो क्या है, अल्फा डिग्री मतलब वन स्टेप, तो इसका मतलब वन डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, वन डिग्री विल बी वन बाई अल्फा स्टेप्स, वन बाई अल्फा स्टेप्स। तो आपका आपका आपको चाहिए कितना, वन डिग्री में वन बाई, तो 360 डिग्री अगर टोटल बात करें एक रिवॉल्यूशन में, तो हमारा हो जाएगा 360 बाई अल्फा स्टेप्स, ये हो जाएगा एवरीवन। तो आपका 360 डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल जाएगा, 360 डिग्री मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में टोटल कितना स्टेप होगा पूरे सर्कल में, मतलब आपने यहां से शुरू किया काम और यहां से शुरू करने के बाद आप पूरा यहां आके कंप्लीट कर रहे हो, तो ये वन रिवॉल्यूशन जो लगाया आपने 360 डिग्री, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बच्चों आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होता है स्टेपर मोटर में, तो एनएस इज इक्वल्स टू 360 अपॉन अल्फा, अल्फा इज द स्टेप डिग्री, राइट, तो यही आपका एनएस है, एनएस इज 360 डिग्री अपॉन अल्फा, इसको आप याद रखेंगे, अभी न्यूमेरिकल जस्ट बनाएंगे उसमें आपको हेल्प होगा, दिस इज योर एनएस, ओके, तो ये आपका एनएस है, इसको याद रखें। चलिए तो हम लोग समझ गए स्टेपर मोटर के बारे में, अब दूसरी बात देखते हैं, तीसरा अगर आप देखेंगे कि कंट्रोल लूप एलिमेंट को, उसमें आएगा आपका गियर बॉक्स, इसके बाद आएगा थर्ड, आएगा बच्चों आपका गियर बॉक्स, थर्ड आएगा आपका बच्चों डेट विल बी योर गियर बॉक्स, थर्ड आपका आएगा डेट विल बी योर गियर बॉक्स। अब देखिए गियर बॉक्स क्या कह रहे हैं, गियर बॉक्स आपका क्या करता है, ये स्पीड रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मली इन सीएनसी मशीन्स टूल वी डू नॉट इंप्लॉय द गियर बॉक्सेस, नॉर्मली नहीं करते हैं, बट समटाइम्स इट मे बी प्रेजेंट फॉर द स्पीड रिड्यूसर, तो कभी कभी ये प्रेजेंट रहता है स्पीड रिडक्शन के लिए बच्चों, तो एक बार आप इसको देख लीजिए गियर बॉक्स का एक्चुअल क्या फंक्शन है हमारा यहाँ पे। तो गियर बॉक्स की अगर फंक्शन को आप बात करेंगे एवरीवन, तो देखिए गियर बॉक्स आपका इस तरह का होगा, क्वेश्चन में भी आपको दिया रहेगा लाइक दिस, कि दिस इज योर गियर बॉक्स, राइट, तो ये आपका रहेगा गियर बॉक्स, ओके, और यहां पे एक शाफ्ट रहेगा ऐसा कनेक्ट, और एक होगा आपका आउटपुट शाफ्ट, राइट। तो आपको मान लीजिए इसका आरपीएम दिया हुआ है बच्चों, डेट इज ये आपका है एन इनपुट, आरपीएम ऑफ द इनपुट शाफ्ट एंड आरपीएम ऑफ द आउटपुट शाफ्ट, ओके, तो जब भी आपको गियर बॉक्स दिया रहेगा इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो आउटपुट शाफ्ट है बाहर वाला इसका स्पीड क्या कर दे, थोड़ा रिड्यूस कर दे, अगर इसकी आरपीएम ज्यादा है, मतलब आपको सप्लाई कर रहे हैं मोटर से बहुत ज्यादा आरपीएम आपको मिल रहा है, लेकिन आपको उतना आरपीएम से लीड स्क्रू को नहीं नचाना है, लीड स्क्रू को थोड़ा कम आरपीएम से आपको नचाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में हम लोग गियर बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। और तो आपका जो गियर रेशियो होगा यहाँ पे, जो भी गियर रेशियो होगा एवरीवन, गियर रेशियो, जो भी आपका गियर रेशियो होगा, इट विल बी योर जी आर, दैट इज योर एन आउटपुट, एन आउटपुट बाई एन इनपुट, इसको याद रखेंगे, एन आउटपुट बाई एन इनपुट, ओके, तो दैट इज योर गियर बॉक्स, गियर रेशियो, इसको आप एकदम नॉलेज में रखिएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए एवरीवन, एन आउटपुट बाई एन इनपुट, दैट इज योर गियर बॉक्स। चलिए तो ये हमारा तीन टर्म हो गया, गियर बॉक्स भी हो गया, मतलब आप सीक्वेंस में देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले क्या बताया पल्स जनरेटर, उसके बाद क्या बताया आपको
स्टेपर मोटर, उसके बाद क्या बताया आपको गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के बाद आपका आएगा लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। फोर्थ, फोर्थ बच्चों आपका आएगा लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, फोर्थ आपका आएगा लीड स्क्रू, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। इसको देखिए ये क्या कह रहा है, लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म जो आपको यूज होगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसा यूज होगा, आपको गौर से समझिएगा, मान लीजिए ये आपका ऐसा है, ये लीड स्क्रू है और इसके ऊपर ये नट है, ये आपका नट है बच्चों, राइट, दिस इज योर नट, ओके। तो ये आपका मान लीजिए ये ऐसा यहाँ पे थ्रेड्स वगैरह दिया हुआ है लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये आपका मान लीजिए लीड स्क्रू है बच्चों, और ये आपका नट है, नट को छोड़िए रहने दीजिए, ये नट है, तो इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, देखिए अभी देखो, तो ये लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म जो है यहां पे, इसको बोलते हैं नट, ये तुम्हारा नट बच्चों, और ये लीड स्क्रू का शाफ्ट, राइट। तो ये तुम्हारा जो लीड स्क्रू है नट मैकेनिज्म में, तो इसका एक तुम्हें देगा लीड, तो लीड होता है और एक होता है नंबर ऑफ स्टार्ट, तो इसका अपना एक पिच होगा, दैट इज पी इज द पिच ऑफ द लीड स्क्रू। तो समझिए कुछ टर्म्स को समझेंगे, आपको दिया रहेगा मान लीजिए पी, तो ये आपका मान लीजिए लीड स्क्रू का शाफ्ट है, ये लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म है, ये लीड स्क्रू है, राइट। तो मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है लीड स्क्रू, देखो ये आपका मान लीजिए दिया हुआ ये लीड स्क्रू, ओके, तो आप देखें अगर मान लीजिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि पी दिया हुआ है आपको, एक टर्म दिया हुआ है पी, पी इज द पिच ऑफ द लीड स्क्रू, पी इज द पिच ऑफ द लीड स्क्रू, पी इज द पिच ऑफ द लीड स्क्रू, राइट, P is the pitch of the lead screw, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा N आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ स्टार्ट, नंबर ऑफ स्टार्ट, एक न्यूमेरिकल इस पे भी कराऊंगा बच्चों, N is the number of start, और L is the lead of the lead screw, lead of the lead screw। तो आप ये जानते होंगे लीड स्क्रू और पिच में क्या रिलेशन है बच्चों, एवरीवन आपको मालूम होगा लीड स्क्रू और पिच में क्या रिलेशन है, यू गाइज वेरी वेल नो दिस थिंग्स, कि आपका पिच जो है लीड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, ये आप पढ़े होंगे, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा एवरीवन, कीप इन माइंड, यहाँ पे ये वैलिड है। अच्छा दूसरी बात, पिच का जो आपका यूनिट होता है, पिच का आपका यूनिट होता है एमएम में या माइक्रोमीटर में, यही होता है ना पिच, तो पिच का आपका यूनिट होता है एमएम में और माइक्रोमीटर में। अब आप गौर से सुनिए, पिच का एक्चुअल में मतलब क्या है, ये कहता है कि अगर वन रिवॉल्यूशन, सुनिए, अगर ये पिच का मतलब, अगर ये वन रिवॉल्यूशन लगाएगा, तो इस पे अगर एक वर्क टेबल रखा हुआ है नट पे, इसके एक वर्क टेबल रखा हुआ है, तो क्या होगा, नट जो होगा मतलब वन रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू, द नट, नट रोटेट्स बाई, नट रोटेट्स बाई लीड, मतलब ये जो ट्रांसलेट कर जाएगा आपका कितना एमएम ट्रांसलेट कर जाएगा, पी। तो मान लीजिए इस पे अगर एक वर्क टेबल रखा हुआ है बच्चों, ये आपका एक वर्क टेबल यहां पे रखा हुआ है लाइक दिस, दिस इज द वर्क टेबल, राइट, ये आपका एक वर्क टेबल है एवरीवन, दिस इज योर वर्क टेबल। लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म पे अगर आपका एक वर्क टेबल रखा हुआ है, तो गौर से समझिएगा, अगर ये इसका पिच दिया हुआ है पीएमएम, तो पिच का एक्चुअल में मतलब क्या है, पिच का एक्चुअल मतलब होता है कि अगर एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू कंप्लीट करेगा, लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन लाएगा, तो वर्क टेबल पीएमएम डिस्प्लेस कर जाएगा, पीएमएम मतलब लीड एमएम, जितना लीड होगा पिच का, लीड होगा लीड स्क्रू का, उतना एमएम क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहां पे, इसको एकदम याद रखिएगा कि वन रिवॉल्यूशन बाई द लीड स्क्रू, बाई द लीड स्क्रू, इसका मतलब होगा कि लीड एमएम, लीड जो भी होगा, लीड एमएम वर्क टेबल डिस्प्लेस,
वर्क टेबल डिस्प्लेस, ट्रांसलेट्स या डिस्प्लेस जो भी बोलना है, ट्रांसलेट्स बोल दीजिए, वर्क टेबल ट्रांसलेट्स। मतलब अगर एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू लगाएगा तो लीड के बराबर वर्क टेबल क्या कर जाएगा, ट्रांसलेट कर जाएगा। मतलब ये अगर आपका वर्क टेबल यहां पे रखा हुआ है, ये वर्क टेबल है, सीएनसी का टेबल है, तो ये लीड जो भी लीड स्क्रू का लीड होगा उसी के बराबर क्या कर जाएगा, वो आपका ट्रांसलेट कर जाएगा बच्चों। तो जनरली मैं लीड क्यों लिख रहा हूं कि लीड इज द एग्जैक्ट वर्ड। अगर मान लीजिए आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा, फॉर अ सिंगल स्टार्ट थ्रेड, तो फॉर ए सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप इसको ये अज्यूम कर सकते हैं, फॉर ए सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, फॉर ए सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, अगर आप सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू की बात करेंगे तो यहां पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तो आपका लीड बराबर हो जाएगा किसके, पिच के बराबर आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा पिच के। तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू लगाएगा तो वर्क टेबल कितना रिप्लेस कर जाएगा, वर्क टेबल, तो वर्क टेबल विल बी डिस्प्लेस्ड बाई पिच, पिच के बराबर कर जाएगा। हर जगह पिच मत बोलिएगा, हर जगह अगर पिच बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, पिच के बराबर हर जगह एक्चुअल में लीड के बराबर डिस्प्लेस करता है। जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा, जब सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू होगा तभी वो पिच के बराबर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा एवरीवन। तो चलिए, तो वन रिवॉल्यूशन बाय द लीड स्क्रू पिच एमएम वर्क टेबल डिस्प्लेस कर जाएगा, पीएमएम एक रिवॉल्यूशन में। तो मतलब इनडायरेक्टली जो पिच का यूनिट अगर हम लोग बोले कि पिच का मतलब क्या है, मान लीजिए पिच दिया हुआ है 4 mm, मतलब कहने का मतलब वन रिवॉल्यूशन में 4 mm, एक रिवॉल्यूशन में 4 mm, यही हुआ ना, मतलब इनडायरेक्टली मतलब हो गया इसका कि पीएमएम, पीएमएम वर्क टेबल ट्रांसलेट्स। तो पिच का एक्चुअल में मतलब क्या हो गया कि पिच क्या है, पिच पी क्या है, एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रांसलेट करेगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रांसलेट करेगा। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पिच के यूनिट को क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू लगाएगा तो कितना एमएम ट्रांसलेट करेगा, दैट इज द पिच, पीएमएम। तो हम लोग पी का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूनिट ये भी बोल सकते हैं, इट विल बी एमएम पर रिवॉल्यूशन। जैसे फीड का जो यूनिट होता है, जो फीड का यूनिट होता है वही हम लोग पिच को भी बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए पिच दिया हुआ है 4 mm, तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ है पिच 4 mm, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन क्वेश्चन पिच इज 5 mm, तो आप लिख सकते हैं कि इन क्वेश्चन इफ इट इज गिवेन, जैसे आपको दिया हुआ है पिच इज इक्वल्स टू 5 mm, तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पिच इज इक्वल्स टू 5 mm पर रिवॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 5 mm ही क्या करेगा, सीएनसी टेबल हमारा ट्रांसलेट करेगा। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग लिख सकते हैं, मींस पिच का यूनिट क्या है, फीट के बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, अब आपने जब सारी चीजों को समझ गया, मैंने 4 चीज बताया कि एक कंट्रोल सिस्टम में, हमारा कंट्रोल लूप सिस्टम में 4 चीज होता है। एक होता है लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, राइट। अब ये लीड स्क्रू को नचाना है आपको, इस लीड स्क्रू को नचाना है, क्योंकि इसको आप नचाइएगा तभी ये वर्क टेबल क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। आपको वर्क टेबल को ट्रांसलेट करना है तो लीड स्क्रू को क्या करना पड़ेगा, नचाना। तो लीड स्क्रू अगर रोटेट करेगा तो वर्क टेबल ट्रांसलेट करेगा। अब ये रोटेट करेगा कैसे बच्चों, तो ये रोटेट करेगा आपका, अगर आपको सेम स्पीड से कराना है, मान लीजिए सेम स्पीड से, जैसे स्टेपर मोटर है ना यहाँ पे, पल्स जनरेटर, तो मैंने आपको बताया अगर जैसे स्टेपर मोटर है हमारा ये मोटर, तो अगर ये मोटर है बच्चों हमारा, तो इस मोटर से डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर दे लीड स्क्रू को तो वो आराम से चलेगा। लेकिन अगर आपको स्पीड रिडक्शन करना है तब भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा 2 तरह का होता है ये, एक होता है कंट्रोल लूप, एक होता है ओपन लूप। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओपन कंट्रोल लूप यूनिट। तो पहला देखते हैं ओपन कंट्रोल लूप यूनिट, आइए देखिए ओपन कंट्रोल लूप यूनिट पहला, देखिए एवरीवन, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओपन कंट्रोल लूप यूनिट। देखो ओपन कंट्रोल लूप यूनिट, ओपन कंट्रोल लूप यूनिट, राइट, ओपन कंट्रोल लूप यूनिट। देखो क्या है, क्या कह रहा है ये ओपन कंट्रोल लूप यूनिट, यहां पे अब जैसे आपको मान लीजिए इसको चलाना था, जैसे ये है, यही आपका फोटो है, इसको आपको रन कराना है बच्चों, इट विल बी लाइक दिस, राइट, इसको आपको रन कराना है, इसको कॉपी कीजिए यहां से,
तो आप देखिए यहां पे अगर आपको इसको रन कराना है एवरीवन, तो अब इसमें तीन केस बनेगा। मैं आपको तीनों केस वन बाय वन पढ़ाऊंगा बच्चों, देखो मैं आपको तीन केस वन बाय वन पढ़ाऊंगा ये तीनों का तीनों केस। तो पहला केस जो है जिसमें मैं गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, केस वन, आई एम नॉट यूजिंग एनी गियर बॉक्स, आई एम नॉट यूजिंग एनी स्पीड रिडक्शन। तो आपका ओपन कंट्रोल लूप, ओपन का मतलब है ये पूरा का पूरा, क्लोज का मतलब है कि ये फीडबैक, मतलब जैसे आप मान लो जितना वर्क टेबल का एग्जैक्टली जो लोकेशन चाहिए था आपको, जिस जगह पे उसको पहुंचाना था, क्या उस जगह पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर वो नहीं पहुंचा तो हम लोग फिर क्या करते हैं, फीडबैक, फीडबैक एक सिग्नल कनेक्ट करते हैं, इनकोडर यूज करते हैं, और वो इनकोडर उसको देखता है, अगर एरर होता है तो वो फिर उसको क्या करता है, एक सिग्नल देता है, और वो सिग्नल से फिर उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल यूनिट। ओपन लूप में हम लोग मैनुअली देखते हैं कि नहीं नहीं पहुंचाया तो फिर उसको चेंजेस करते हैं थोड़ा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ओपन लूप, मतलब जिसमें ये कनेक्ट नहीं होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें दो केस मैं बच्चों आपको दिखा रहा हूं। पहला केस वन जो है आपका, केस वन दैट इज विदाउट गियर बॉक्स, मैं गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, विदाउट गियर बॉक्स, राइट, विदाउट गियर बॉक्स, बिना गियर बॉक्स का अगर आप देखें तो देखो अब क्या है यहां पे एवरीवन। सपोज करो ये तुम्हारा है वर्क टेबल, ये तुम्हारा ऐसा लाइक दिस एवरीवन, सी ओके। तो आपका ये ऐसा है, एक ये सिस्टम है, इसमें आपको मेन ऑब्जेक्टिव है कि भैया इस टेबल को किसी तरह डिस्प्लेस करिए, इस टेबल को, इस टेबल का डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, यही है ना इस टेबल का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेंगे पल्स जनरेटर। तो मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, दैट इज योर पल्स जनरेटर। तो ये आपका एक बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड योर पल्स जनरेटर, राइट, दिस इज कॉल्ड योर पल्स जनरेटर। एवरीवन सी वेरी केयरफुली, सी दिस, देखो इट विल बी लाइक दिस एवरीवन। तो अगर आपसे मैं बोलूं तो ये आपका है, एक है से छोटा सा है यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस, दिस इज योर पल्स जनरेटर गाइस, राइट तो ये आपका पल्स जनरेटर है, चलो तो दिस इज योर पल्स जनरेटर एवरीवन। और इसका पल्स जनरेटर कनेक्ट है किससे, एक आपका इससे मोटर से, ये एक मोटर से कनेक्ट है लाइक दिस, तो मोटर आ गया। अब मोटर आपका स्टेपर मोटर भी हो सकता है, सर्वो मोटर भी हो सकता है, और अब ये कनेक्ट है आपका एक शाफ्ट से लाइक दिस, देखिए इट इज कनेक्टेड विद अ शाफ्ट, इट इज कनेक्टेड विद अ शाफ्ट गाइस, ओके। देखो इट इज कनेक्टेड विद अ शाफ्ट। अब ये शाफ्ट से आपका कनेक्ट है क्या, एक लीड स्क्रू कनेक्ट है। अब आप समझिए यहां पे, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये है आपका, दिस इज योर पल्स जनरेटर, ओके, दिस इज योर पल्स जनरेटर, जनरेटर, दिस इज योर पल्स जनरेटर, राइट। और ये है आपका एक स्टेपर मोटर, मान लीजिए दिस इज योर स्टेपर मोटर, गेट में क्वेश्चन आता है बच्चों स्टेपर मोटर, और ये स्टेपर मोटर का आउटपुट शाफ्ट है, राइट, स्टेपर मोटर के बाहर शाफ्ट है आउटपुट शाफ्ट, तो ये आपका एक रैंडम शाफ्ट है आउटपुट शाफ्ट, राइट, डायरेक्टली। और ये आपका बच्चों लीड स्क्रू LS, राइट, अब सुनिएगा गौर से, और ये है इसका नट, और ये यहां पे वर्क टेबल, ये आपका वर्क टेबल। अब ये वर्क टेबल आपका यहां पे आपको इस वर्क टेबल को डिस्प्लेस करना है। अब आपसे ये बोलेगा कि ये बताइए कि वर्क टेबल को मिनिमम कितना अपन डिस्प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहां पे गियर बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहां पे गियर बॉक्स का बच्चों इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब वर्क टेबल को मिनिमम आप कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो यहां पे कुछ टर्म्स आता है बच्चों कि मिनिमम वर्क टेबल का डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले सुनिए, अगर मान लीजिए इसने मुझे यहां पे ये पल्स जनरेटर जो है ये एक बहुत सारा पल्स ट्रेन को आपको दे सकता है, नंबर ऑफ पल्सेस सप्लाई कर सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि सबसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है कि सबसे कम कितना वर्क टेबल डिस्प्लेस हो सकता है,
तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर सुनिए, सबसे मिनिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मिनिमम वोल्टेज, पल्स वोल्टेज हम कितना दे सकते हैं? 1 पल्स। एक पल्स से कम का तो कोई मतलब ही नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते 0.01 पल्स। तो हम लोग सबसे मिनिमम कितना दे सकते हैं? 1 पल्स। तो चलिए, एक पल्स, पल्स जनरेटर अगर 1 पल्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई करता है किसको? स्टेपर मोटर को। तो देखते हैं कि वर्क टेबल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो यहां पे अगर मान लीजिए लीड स्क्रू का पिच जो है आपका, ये क्या है? 1। और मैं मान रहा हूं सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, ये क्या है आपका? सिंगल स्टार्ट है, इसलिए इसका लीड किसके बराबर हो जाएगा? पिच के। मैं ऐसा बोल रहा हूं बाई डिफॉल्ट कि इसमें ये तो है और सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, ये भी एक अजम्पशन ले लीजिए यहाँ पे, दैट इज योर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, राइट? सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, चलो, तो दैट इज योर सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू है यहाँ पे बच्चों, सिंगल स्टार्ट लीड स्क्रू, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 एंड लीड इज इक्वल्स टू पिच। ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं, राइट? अब आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 1 पल्स ये सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 1 पल्स, ये 1 पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दिया, कौन? पल्स जनरेटर, इनकोडर। अब ये 1 पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको सप्लाई करता है बच्चों, दिया इसको, तो ये गया मोटर के पास। अब ये मोटर क्या होता है? स्टेपर मोटर के बारे में आपको मैंने पढ़ाया अभी, जस्ट देखिए, जस्ट मैंने काफी अच्छे से आपको पढ़ाया कि अगर ये स्टेपर मोटर है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होता है, तो क्या होता है, 1 पल्स अगर होगा तो ये 1 स्टेप कंप्लीट करेगा, 1 स्टेप्स घूम जाएगा खट से, 1 स्टेप्स, स्टेपर एंगल अगर होगा 1 स्टेप्स। तो अब आप सुनिए, अगर ये 1 स्टेप घूम रहा है 1 पल्स में, तो आपको अब निकालना है कि ये 1 रिवॉल्यूशन, ये स्टेपर मोटर है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये स्टेप एंगल, मान लीजिए ये अल्फा डिग्री घूम गया, स्टेप एंगल है, 1 स्टेप में कितना है, तो 1 डिग्री, 1 पल्स मतलब 1 स्टेप, और 1 स्टेप का एंगल कितना है? अल्फा। तो मान लीजिए कि स्टेप एंगल जो इसका अल्फा, ये अल्फा डिग्री स्टेपर मोटर क्या हो गया बच्चों? घूम गया, राइट? अल्फा डिग्री। कैसे, बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? फिर समझिएगा, सुनिए, 1 पल्स आपने सप्लाई किया, 1 पल्स अगर देंगे तो ये क्या घूमेगा? 1 स्टेप्स, और 1 स्टेप्स में कितना एंगल घूमेगा? अल्फा डिग्री, क्योंकि 1 स्टेप एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा डिग्री। तो मैंने बोला 1 पल्स सप्लाई किया तो स्टेपर मोटर अल्फा डिग्री घूम गया, करेक्ट? चलिए, अगर मान लीजिए ये स्टेपर मोटर आपका अल्फा डिग्री घूम गया, तो अगर इसको रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो सुनिए, 360 डिग्री क्या होगा बच्चों? 360 डिग्री, एवरीवन लिसन टू मी, 360 डिग्री एकदम गौर से सुनिएगा, 360 डिग्री क्या होगा? 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 डिग्री 1/360 रिवॉल्यूशन, तो कितना है? अल्फा डिग्री। तो मतलब अल्फा डिग्री अगर बात करें तो इट विल बी योर अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, राइट? अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, करेक्ट? तो मतलब अगर अल्फा डिग्री जो स्टेपर मोटर घुमा है 1 पल्स से, तो ये कितना रिवॉल्यूशन होगा? अल्फा बाई 360। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, अल्फा बाई 360, राइट? आइए, इट विल बी योर अल्फा बाई 360। तो इसको अगर रिवॉल्यूशन के टर्म में बात करें तो इट विल बी अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, करेक्ट है एवरीवन? तो ये अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ये अगर घूम रहा है अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, ये स्टेपर मोटर, तो ये स्टेपर मोटर आपका घूम रहा है कितना? ये घूम रहा है अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन एवरीवन। तो ये घूम गया अल्फा बाई 360, ये रोटेट कर गया, मान लीजिए ऐसा, ये रोटेट कर गया अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, ओके, अल्फा बाई 360। तो इससे कनेक्ट जो शाफ्ट है, ये अल्फा एंगल घुमा, तो इससे कनेक्ट जो शाफ्ट है एवरीवन, तो ये भी आपका कितना घूम जाएगा? इससे कनेक्ट है ना, तो ये भी घूमेगा अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है कि ये भी घूमेगा अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, थोड़ा इसको छोटा कर दीजिए, अल्फा यही है ना एवरीवन, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, ओके एवरीवन। अब इससे कनेक्ट एक और शाफ्ट है, ये किसका शाफ्ट है? लीड स्क्रू का शाफ्ट। तो ये जो लीड स्क्रू का शाफ्ट है बच्चों, ये कितना घूमेगा? ये कितना घूमेगा एवरीवन? ये घूमेगा आपका, ये भी तब तो सीरीज में कनेक्ट है ना एवरीवन, लाइन से सबका सब कनेक्ट है, तो स्टेपर एंगल अल्फा बाई 360, तो शाफ्ट भी, क्योंकि यहां पे गियर बॉक्स का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, अगर गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते तो स्पीड रिडक्शन होता, इसलिए मैंने पहले ही बताया है कि ओपन
कंट्रोल लूप यूनिट एक क्लोज का भी बताएंगे आपको विदाउट गियर बॉक्स, तो बिना गियर बॉक्स के देख रहे हैं इसलिए यहां पे स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये भी कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, डेट अल्फा बाई 360। तो ये भी बच्चों आपका आ जाएगा, इट विल बी योर अल्फा बाई 360। तो ये अभी आ जाएगा अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन, मतलब जो लीड स्क्रू का शाफ्ट है वो भी अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन लगा दिया। अब सुनिए, जैसे ही ये लगा दिया अल्फा बाई 360, तो वर्क टेबल कितना डिस्प्लेस होगा, ये वर्क टेबल कितना डिस्प्लेस होगा, तो दैट वी आर गोइंग टू यूज द यूनिटरी मेथड। आपको तो मालूम है यूनिटरी मेथड क्या लगा सकते हैं, कि अगर आपको मालूम है लीड स्क्रू का पिच क्या है, पीएमएम, तो पिच एक्चुअली होता है क्या है कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू लगाएगा तो वर्क टेबल पीएमएम डिस्प्लेस करेगा। तो वन पल्स अगर दे रहे हैं तो वर्क टेबल जो लीड स्क्रू है वो कितना रिवॉल्व कर रहा है, कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा है, अल्फा बाई 360। तो अल्फा बाई 360 में कितना वर्क टेबल डिस्प्लेस करेगा, अल्फा पी बाई 360। तो दैट इज द वेरी सिंपल, अगर लीड दिया रहा तो लीड कितना करता। तो बच्चों दैट इज द यूनिटरी मेथड आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर, दैट इज वन रिवॉल्यूशन बाई लीड स्क्रू, वन रिवॉल्यूशन बाई लीड स्क्रू, वन रिवॉल्यूशन बाई लीड स्क्रू, एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू लगाएगा। तो वर्क टेबल डिस्प्लेसेस बाय पीएमएम, वर्क टेबल ट्रांसलेट्स ट्रांसलेट्स पीएमएम, पी पिच के बराबर, एक्चुअल में लीड के बराबर होता है, एक्चुअल में लीड के बराबर, यहां पे सिंगल स्टार्ट है इसीलिए किसके बराबर होगा, पिच के बराबर, एक्चुअल में लीड के बराबर होता है, राइट, पीएमएम। तो कितना रिवॉल्यूशन एक्चुअल में लगा रहा है, दैट इज लीड स्क्रू कितना रिवॉल्यूशन लगा, अल्फा बाई 360। तो अल्फा बाई 360 अगर रिवॉल्यूशन लगाएगा बच्चों, तो अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करेगा तो वर्क टेबल कितना ट्रांसलेट कर जाएगा, अल्फा पी बाई 360, यही आया था गेट 2014 में, अल्फा पी बाई 360 mm। तो अल्फा पी बाई 360 mm ये एक्चुअल में है क्या, अब गौर से देखिए, ये अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन अगर लगा रहा है लीड स्क्रू, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो अल्फा पी बाई 360 mm आपका जो इसके ऊपर वर्क टेबल रखा हुआ है ये इतना आगे डिस्प्लेस कर गया। लेकिन ये अल्फा बाई 360 रिवॉल्यूशन आपको कब आया, जब आपने वन पल्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टेपर मोटर को सप्लाई किया। तो ड्यू टू whenever we supply one pulse electrical energy, the work table translates by alpha p by 360, means that is the displacement of the table when one pulse electrical energy is supplied, right? तो ये बच्चों क्या आपको समझ में आया कि इसका मतलब हो गया alpha by 360 किसके corresponding था, one pulse के corresponding था। तो one pulse के वजह से हमारा क्या आ गया, that is the displacement is alpha p by 360 mm। तो एक pulse क्या है बच्चों, एक पल्स सबसे छोटा, दैट इज द वेरी स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे छोटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हम स्टेपर मोटर को नहीं सप्लाई कर सकते। तो इसका साफ मतलब यह हुआ कि सबसे मिनिमम टेबल कितना डिस्प्लेस हो सकता है, वर्क टेबल सबसे कम, ये जो वर्क टेबल है आपका, ये वर्क टेबल सबसे कम कितना डिस्प्लेस हो सकता है। तो अगर एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल इज कॉल्ड BLU, बेसिक लेंथ यूनिट। इसी को बोलते हैं कंट्रोल रिजोल्यूशन, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी। तो इसका चार पांच नाम है बच्चों, इस नाम से इसे जानते हैं। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल ड्यू टू वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट एवरीवन। संजय साहू, गुड इवनिंग संजय, लेट रहते हो संजय, लेट से ज्वाइन करते हो क्यों। तो चलिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस देख रहे हैं बच्चों, दैट इज योर BLU, बेसिक लेंथ यूनिट, समझिएगा गौर से, बेसिक लेंथ यूनिट, दैट इज योर BLU, बेसिक लेंथ यूनिट BLU। अच्छा, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड पोजीशन एक्यूरेसी, राइट, एक्सपेक्टेड। संजय साहू जी क्या आप पढ़े हैं ये सब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं एवरीवन, संजय साहू जी क्या आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं एवरीवन, जल्दी बताइएगा मुझे क्या आप ये सब पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं।
नहीं पढ़े हैं, कंट्रोल रिजोल्यूशन। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को एवरीवन, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए संजय न्यूमेरिकल कराओ सर। चलिए तो बेसिक लेंथ यूनिट कंट्रोल रिजोल्यूशन, तो समझिए इसको कि बेसिक लेंथ यूनिट जो है आपका ये क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, दैट इज द मिनिमम। ओके तो इसका डेफिनेशन देख ले, करा रहे हैं संजय जी, करा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, करा रहे हैं। तो इट इज द, पहला लाइन लिख सकते हैं, इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, कम से कम कितना डिस्प्लेस होगा वर्क टेबल, इट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल, राइट। अच्छा दूसरा आप क्या बोलिएगा, कभी पूछेगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब यही निकालना है, दूसरा आप बोलिएगा इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल व्हेन वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू द स्टेपर मोटर, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क टेबल व्हेन वन पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज सप्लाइड, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज सप्लाइड टू द स्टेपर मोटर, सप्लाई टू द स्टेपर मोटर। सारा न्यूमेरिकल यहीं पे हो जाएगा आज, तो आराम से देखिए, राइट, सप्लाई टू द स्टेपर मोटर, राइट। तो अब एक बात बताइए मुझे एवरीवन कि इसका यूनिट क्या होगा, इसको बीएलयू जो बोल रहे हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ बीएलयू, तो द यूनिट ऑफ बीएलयू, अगर यूनिट की बात करें एवरीवन, तो यूनिट आप बोलेंगे कि सर इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है एमएम, क्योंकि ये डिस्टेंस है, और माइक्रोमीटर, एमएम होता है और माइक्रोमीटर, ये आपका यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट। अब आपको देखिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, कुछ शॉर्टकट्स जिससे आप बहुत फास्ट बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बहुत फास्ट। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, तो मैं आपको दो तीन चीज बता रहा हूं। एमएम पर स्टेप, बिल्कुल सही बात है, एमएम पर स्टेप बोलिए, एमएम पर पल्स बोलिए, एक ही बात है। अब सुनिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ यूनिट्स बता रहा हूं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आपसे अगर पूछेगा तो इसका यूनिट क्या है, एमएम ही है, एमएम पूछेगा, कितना एमएम है, कितना माइक्रोमीटर, आपसे पर स्टेप्स में नहीं पूछेगा, वो आप जानते हैं बाय डिफॉल्ट कि एक स्टेप के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीएलयू, राइट। अब देखिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, इसको एकदम भेजा में डाल लीजिएगा। देखिए वर्क टेबल स्पीड, यहां पे एक चीज और डिफाइन करते हैं कि टेबल का स्पीड क्या है, कुछ टर्म्स डिफाइन होता है यहां पे, मैं चार पांच टर्म्स लिख रहा हूं, इसको आपको देखना है, रहिए देखिए, देखिए पहला चीज क्या है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म है आपका, देखिए यहां पे जो चार पांच चीज है हमारे पास, सबसे पहली चीज है आपके पास, सबसे पहला जो आपने देखा दैट इज द पिच, तो पिच और लीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिसका यूनिट आपको समझना है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बीएलयू, बेसिक लेंथ यूनिट बीएलयू। अच्छा तीसरा अगर आप बात करें दैट इज द आरपीएम ऑफ द मोटर, स्पीड ऑफ द मोटर, तो आरपीएम ऑफ द मोटर, स्टेपर मोटर का जो भी आरपीएम होगा, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आरपीएम ऑफ द मोटर। अच्छा उसके बाद आपको करेगा टेबल स्पीड, वर्क टेबल का स्पीड, कितने स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी या स्पीड, तो वर्क टेबल स्पीड। तो ये चार चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और एक पांचवा पल्स फ्रीक्वेंसी, जो आपका इनकोडर है, जो आपका पल्स जनरेटर है, वो कुछ भी दे सकता है ना, मान लीजिए 1000 पल्स दे रहा है एक सेकंड में, 10000 पल्स दे रहा है एक सेकंड में, तो क्या बोलेंगे, पल्स फ्रीक्वेंसी। तो आपको एक और टर्म आएगा पल्स फ्रीक्वेंसी, तो ये पांच टर्म्स आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पे, पल्स फ्रीक्वेंसी, राइट। अब देखिए इसको पीपीएम भी बोलते हैं कहीं कहीं, पल्स पर मिनट, क्या बोलते हैं, पीपीएम, पल्स पर मिनट, क्वेश्चन में दिया रहता तो डरना नहीं है उससे, पल्स पर मिनट,
इसको बोलते हैं अपन पीपीएम, राइट। तो देखिए पिच का मतलब हो गया ये, दिस इज योर पिच पी, ये हो गया आरपीएम एन, और नहीं सॉरी ये तो बीएलयू है, बीएलयू 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 को बीएलयू ही बोलिए, क्या अलग बोलिएगा। और ये आपका आरपीएम एन, ये वर्क टेबल स्पीड भी पल्स फ्रीक्वेंसी एफ, और इसको कहीं कहीं पे बोलते हैं अपन क्या पीपीएम, पल्स पर मिनट, अगर पीपीएम में दिया रहे कोई प्रॉब्लम का बात नहीं। चलिए पीपी, अब सुनिए एक बात, अब अगर मैं यूनिट्स की बात करूं इन सारे चीजों की, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो न्यूमेरिकल में आपको आएगा, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मतलब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ध्यान देना। देखिए सुनिए, ये पांच पैरामीटर्स है, इस पांचों पैरामीटर्स को मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इसमें एकदम गौर से देखिएगा, एकदम भेजा में डाल लीजिएगा मेरे दोस्तों, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटेगा इसके पास से, एक भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटने जा रहा है। देखो अब देखो यहां पे तुम अगर मान लो तुम्हारे पैरामीटर्स दिया हुआ है कुछ, राइट, एक दिया हुआ तुम्हारा स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट होगा, और एक तुम्हारा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूनिट, यूनिट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल यूनिट्स, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये मेरा जुगाड़ है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, यूनिट्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। देखिए अब देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको बोल रहा है कि जो पिच है, पिच है 5 mm, तो मान लीजिए पहला है आपको पैरामीटर है पिच, पी पिच दिया हुआ है, पहला पैरामीटर पी, तो पिच आपको क्वेश्चन में देगा एमएम में, स्टैंडर्ड यूनिट है इसका एमएम में, हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा पिच इज द 5 mm। आप क्या कीजिएगा, जैसे ही पढ़िएगा पिच 5 mm है, आप उसको लिख दीजिएगा 5 mm पर रिवॉल्यूशन, अपने से लिख दीजिएगा खुद, बिना सोचे समझे 5 mm पर रिवॉल्यूशन, क्योंकि पिच का मतलब ही है कि एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू लगाएगा तो पीएमएम, पीएमएम वर्क टेबल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस कर जाएगा। चलो दूसरा क्या है आपका बीएलयू, बीएलयू जो है आपका उसका भी स्टैंडर्ड यूनिट है एमएम और माइक्रोमीटर, एमएम और माइक्रोमीटर, राइट, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बीएलयू बताया कि बीएलयू जो होता है, जब आप एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिएगा, एक पल्स एनर्जी दीजिएगा तो कितना डिस्प्लेस करेगा, मतलब दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब एमएम, और कब, एक पल्स पर, तो एमएम पर पल्स, राइट, एक पल्स पर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप बोल सकते हैं बच्चों दैट विल बी योर एमएम पर पल्स, राइट, और माइक्रोमीटर पर पल्स, आप इसको आराम से बोल सकते हैं, और माइक्रोमीटर पर पल्स, माइक्रोमीटर पर पल्स, राइट, ये आप ऐसा बोल सकते हैं। चलिए तो ये आप समझ गए, तो पिच और ये समझ गया। अच्छा थर्ड, बाकी तो पैरामीटर्स आपको मालूम है, पल्स फ्रीक्वेंसी, इसका पल्स फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे एफ, तो पल्स फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है इसका देगा नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड मतलब इसको बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं हर्ट्ज, तो हर्ट्ज का मतलब हो जाएगा पल्सेस पर सेकेंड, तो पर सेकेंड को आप बदल लीजिएगा पीपीएम में, पल्सेस पर मिनट में आप बदल लीजिएगा, कैसे बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका पीपीएम में आ जाएगा पल्सेस पर मिनट, राइट एवरीवन। तो ये तीन यूनिट, बाकी का यूनिट का तो कोई मतलब नहीं, आरपीएम तो रिवॉल्यूशन पर मिनट ही होगा इसका, तो दोनों यूनिट सेम होगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे दो अलग से, यहां पे मैं ऐड कर दे रहा हूं आपको, एवरीवन देख लो मेरे दोस्तों, देखो इतना कर लोगे एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। अब देखो क्या है ये क्या कह रहा है तुम्हारा, एक मिनट देखो, जैसे मान लो तुम्हारा टेबल स्पीड दिया हुआ है, टेबल स्पीड v, तो मान लो आरपीएम पहले n, आरपीएम तुम्हारा है, इसका तो यूनिट होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका यूनिट होगा n, n का होगा आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसका होगा आरपीएम, दिया होगा आरपीएम, तो आरपीएम का मतलब हो गया रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट, आप चेंज कर लीजिएगा बच्चों इसको, आप इसको आराम से चेंज कर लीजिएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, राइट। अच्छा लास्ट आपका है बच्चों, क्या लास्ट आपका है, ये आइए लास्ट आपका क्या है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा गेट लीड टेलीग्राम चैनल पे बच्चों,
एकदम आराम से नोट्स बनाते चलिए। चलिए लास्ट आपका क्या है बच्चों, दैट इज अ टेबल स्पीड वी। वी आपका होगा एमएम पर मिनट में और होगा एमएम पर सेकंड में। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एमएम पर मिनट को एमएम पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो ये आपका यूनिट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसमें यूनिट जो है आपका सॉल्व करने वाला और ये दोनों आपका सेम है। अब आप देखिए गौर से, मैं आपको एक फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं एवरीवन, जो एमएम पर पल्सेस, यहां पे आप पल्स को स्टेप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वन स्टेप्स वन पल्स होता है, राइट। अच्छा अब चलिए, अगर हम लोग पिच इंटू बीएलयू करें, एवरीवन मुझे जल्दी से बताइएगा कि पिच इंटू बीएलयू, पी इंटू बीएलयू अगर करेंगे, पी इंटू बीएलयू अगर करेंगे तो क्या आएगा, एक कोई लड़का बताइए, पिच को अगर बीएलयू से या बीएलयू इंटू एफ, जो जल्दी से कुछ फॉर्मूला हमारे पास आएगा, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे सारे लड़के उस फॉर्मूले को, एवरीवन टेल मी द फास्ट द फॉर्मूला गाइस, जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताइए आप लोग। अगर मुझे टेबल स्पीड चाहिए बीएलयू इंटू एफ करेंगे एवरीवन, देखो मैं पहला केस निकाल रहा हूं, देखो गौर से, बीएलयू इंटू एफ, बीएलयू इंटू एफ कर रहा हूं, देखो गौर से। तो BLU मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया कि BLU का यूनिट क्या होता है, दैट इज योर MM पर पल्स, ये पढ़ाया ना, इनटू इसका क्या होगा फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, पल्स पर सेकेंड, पल्सेस पर सेकेंड होगा ना, इसको कन्वर्ट कर लेना, तुम्हारा ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों मर जाएगा, राइट, बचेगा क्या MM पर, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टेबल स्पीड के बराबर, मतलब MM पर सेकेंड, राइट। तो ये आ रहा है आपका एमएम पर सेकेंड और एमएम पर मिनट, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला आपको बच्चों पता चल गया, डैट विल बी योर टेबल स्पीड, मतलब बीएलयू इनटू पल्स फ्रीक्वेंसी, लेकिन पल्स फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान देना होगा, अगर एमएम पल्स पर सेकेंड में पुट कीजिएगा तो एमएम पर सेकेंड में आएगा, और पल्स पर मिनट में पुट कीजिएगा तो एमएम पर मिनट में आएगा, इतना तो आप जानते हैं। अच्छा दूसरा देखिए, अगर हम लोग ये करें एन इंटू पी करें, एन इंटू पी क्या करें, एन इंटू पी, देखो तो एन का यूनिट क्या है बच्चों, एन है आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज विल बी योर रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट, सॉरी एक मिनट बच्चों, देखिए अगर आपका ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इट विल बी योर रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट, इनटू पिच क्या है, पिच इज योर एमएम पर रिवॉल्यूशन, एमएम पर रिवॉल्यूशन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे देखो गौर से देखो, तो ये आपका रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कट गया, ये क्या बचा एमएम पर मिनट, मतलब आपको फिर ये समझ में आ रही है बात कि ये आपका फिर क्या दे रहा है, टेबल स्पीड, लेकिन इस टेबल स्पीड का यूनिट क्या है, यूनिट तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, द यूनिट इज इन एमएम पर मिनट, एमएम पर मिनट को एमएम पर सेकंड में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब आपको दो फॉर्मूला बच्चों पता चल गया कि बीएलयू इनटू एफ एंड एन इनटू पी दोनों किसके बराबर है, वर्क टेबल के ट्रांसलेशन स्पीड के बराबर है। तो इसको बॉक्स में लिख लीजिए और न्यूमेरिकल बनाने वक्त जब न्यूमेरिकल बनेगा तो दुआ दीजिएगा, याद रखिएगा और आयास 10 कोड यूज कीजिएगा। बीएलयू इनटू एफ देखिए बच्चों, बीएलयू इनटू एफ इज इक्वल्स टू एन इनटू पी इंटू वी, वी इज योर टेबल स्पीड। तो इसको एकदम बॉक्स में घेर लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताला मार दीजिए इसमें, वेरी वेरी ताला लगाओ इसको, ताला लगाओ, राइट। तो इट विल बी लाइक दिस, BLU into F is equals to N into P is equals to V। तो ये हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बच्चों, कि कुछ न्यूमेरिकल अब हमें बनाना है, तो वन बाई वन लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है एवरीवन, पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे, राइट, क्वेश्चन नंबर वन। तो देखिए यहां पे जो BLU मैंने बताया, एक मिनट मैं एक चीज कर दूं, अल्फा पी बाई 360, तो दैट इज द BLU, अल्फा पी बाई 360 क्या है, BLU ही है आपका, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर कभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने का मौका मिले तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, जो मैंने भी प्रूफ किया, अल्फा पी बाई 360, राइट, तो टाइम वेस्ट बिना किए बिना आप बना सकते हैं अल्फा पी बाई 360, और दोनों से बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी, अल्फा पी बाई 360 दैट इज योर BLU। चलिए पी इज द पिच, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है, इन अ एनसी मशीन
फीड ड्राइव ए स्टेपर मोटर, ए स्टेपर मोटर विद स्टेप एंगल ऑफ 1.8 डिग्री, ए लीड स्क्रू विद पिच, विद 2 mm पिच, ए लीड स्क्रू विद 2 mm पिच इज यूज्ड. द BLU फॉर दिस ड्राइव इज, द BLU फॉर दिस ड्राइव इज, जल्दी बनाइए. Everyone tell me the BLU for this drive, for this drive is, for this drive is. Is dash, अभी तो मैं यूनिट नहीं बताया हूं, कैसे बता दिए संजय जी? अभी तो मैं यूनिट नहीं बताया हूं. इज डैश माइक्रोमीटर. तो चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है. मैं दोनों फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं. देखिए क्या कह रहा है, स्टेप एंगल इज दिस, मतलब आपको स्टेप एंगल दिया हुआ है अल्फा, अल्फा इज 1.8 डिग्री, राइट, पिच इज योर 2 mm. तो BLU निकालना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, दैट इज योर अल्फा पी बाई 360 डिग्री, यही है ना. तो अल्फा इज योर 1.8, पिच इज योर 2 अपॉन 360, तो इट विल बी लाइक दिस. तो ये आ रहा है 1/100, 1/100 क्या आ रहा है, mm, और 1 mm कितना होता है, 1000 माइक्रोमीटर. तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइक्रोमीटर. तो BLU आपका बहुत आसानी से आ गया. अब एक लड़का बोलेगा नहीं सर, इसको यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, तब कैसे बनेगा, देखो दूसरा मेथड देखो. संजय साहू दूसरा मेथड भी दिखाएं. सुनो 360 डिग्री क्या होता है, वन रिवॉल्यूशन होता है, 360 डिग्री वन रिवॉल्यूशन. तो पहले जो जितना स्टेप वो घूमा है, पहले निकालो वो कितना रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली घूमा है. तो ये आ जाएगा 1/360, दोनों को याद रखो, 1 डिग्री 1/360 रिवॉल्यूशन. तो स्टेप एंगल कितना है हमारा, कितना एंगल वो घूमा, 1.8 डिग्री. तो 1.8 डिग्री में पता करो कि कितना ये रिवॉल्यूशन लगाया एक्चुअली. तो 1.8 डिग्री घूमने का मतलब है इनटू 1.8, मतलब ये आपका आ रहा है 1/200, 1/200 रिवॉल्यूशन, 1/200 रिवॉल्यूशन लगा रहा है कौन, स्टेपर मोटर. तो उससे कनेक्ट जो होगा शाफ्ट वो भी 1/200, लीड स्क्रू भी कितना, 1/200 सब, क्योंकि यहां पे गियर बॉक्स तो है नहीं, तो सारा कनेक्टेड है सीरीज में, तो सारा क्या हो जाएगा 1/200 1/200. तो पिच तो तुम्हें मालूम है, तो वन रिवॉल्यूशन, पिच का ही मतलब होता है कि वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू घूमेगा तो PMM जाएगा. पिच कितना दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है 2 mm, तो एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो PMM जाएगा, मतलब 2 mm. तो एक्चुअल में जा कितना रहा है, 1.8 डिग्री घूमने का मतलब है कि लीड स्क्रू कितना घूमेगा, 1/200 रिवॉल्यूशन. तो 1/200 रिवॉल्यूशन अगर घूमेगा तो ये आपका 1/200 इंटू 2, मतलब 1/100 mm, राइट, 1/100 mm. अब वही बात आ गई, 1 mm तो ये आ जाएगा कितना, 10 माइक्रोमीटर. तो इस तरह बच्चों ने निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो आप इसको कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन तो दोनों मैंने बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका मैं आपको डायरेक्टली फोटो दे देता हूं. देखिए देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है एवरीवन, कह रहा है द वर्क टेबल इन अ सीएनसी. देखिए दिख रहा है ना, ये मैंने पढ़ाया है, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, एक लड़के की है, मैंने क्लास में पढ़ाया था तो उसी ने लिखा था. चलिए देखिए क्या कह रहा है, द वर्क टेबल इन अ सीएनसी मशीन इज ड्रिवन बाय, द वर्क टेबल इन अ सीएनसी मशीन इज ड्रिवन बाय अ लीड स्क्रू ऑफ पिच 2 mm. लीड स्क्रू का पिच कितना है, द वर्क टेबल इन अ सीएनसी मशीन इज ड्रिवन बाय अ पिच ऑफ 2 mm, मतलब पिच जो है हमारा, पिच जो दिया हुआ है दैट इज योर 2 mm. द लीड स्क्रू इज डायरेक्टली कपल्ड टू अ स्टेपर मोटर विद अ स्टेप एंगल, स्टेप एंगल अल्फा, अल्फा इज योर 1.8 डिग्री,
तो 1.8 डिग्री स्टेप एंगल दिया हुआ। जल्दी बताओ साहू, द नंबर ऑफ पल्सेस रिक्वायर्ड टू मूव द वर्क टेबल बाय 50 mm, अगर वर्क टेबल को 50 mm डिस्प्लेस करना है तो कितना पल्स रिक्वायर्ड है? अगर वर्क टेबल को 50 mm डिस्प्लेस करना है तो कितना पल्स रिक्वायर्ड है? तो ये कौन बताएगा? देखो BLU कहता है कि मुझे ये मालूम है कि वर्क टेबल अगर एक पल्स आएगा तो वर्क टेबल कितना डिस्प्लेस होगा, एक पल्स का मुझे मालूम है, BLU बोलता है। और ये बोल रहा है कि मुझे पल्स बताइए, तो अगर तुम्हें BLU पता चल जाएगा तो ये आराम से पता चल जाएगा। तो इस चीज को याद रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में आपको बोले नंबर ऑफ पल्सेस निकालने के लिए तो आप पहले BLU निकालेंगे, जब भी आए एकदम इसको याद रखिए, व्हेनेवर दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पल्सेस तो आप पहले BLU निकालिएगा हमेशा, क्योंकि BLU आपको एक रिलेशन बता देगा। देखिए तो इसका BLU निकालिए, तो BLU विल बी अल्फा पी बाय 360, राइट, अल्फा पी बाय 360, तो अल्फा इज योर 1.8, बिना फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हैं, जस्ट मैंने जो से पहले बनाया आपको 360, तो ये आ रहा है बच्चों आपका 1/200, सॉरी कितना आ रहा है ये 36, 1/100, राइट, चलिए ये 1/100 आ रहा है, तो 1/100 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/100 mm, राइट, तो BLU आपको मालूम चल गया 1/100 mm। तो आपको मैंने बताया कि BLU एक्चुअली होता क्या है, 1/100 mm पर पल्स, मतलब एक पल्स के वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर एक पल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो 1/100 मतलब 0.01 mm टेबल डिस्प्लेस कर जाएगा। तो आप देखिए यूनिटरी मेथड लगाइए कि 1/100 mm अगर वर्क टेबल डिस्प्लेस होगा तो कितना पल्स चाहिए रिक्वायर्ड, एक पल्स, यही कह रहा है ना, BLU का मतलब ये एक पल्स की वजह से, तो 1/100 mm अगर डिस्प्लेस होगा तो एक पल्स, तो अगर 1 mm डिस्प्लेस होगा बच्चों इट विल बी 1/1/100, मतलब 1 mm डिस्प्लेस करने के लिए 100 पल्सेस चाहिए, क्या चाहिए, 100 पल्सेस रिक्वायर्ड है 1 mm के लिए, ओके 100 पल्सेस 1 mm डिस्प्लेस करने के लिए, आपको कितना डिस्प्लेस करना है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ 50 mm, आपको अगर 50 mm डिस्प्लेस करना है वर्क टेबल को तो 50 mm अगर डिस्प्लेस करना है तो 50 × 100 मतलब टोटल आपको बच्चों 5000 पल्सेस यहां पे रिक्वायर्ड होंगी, कितनी रिक्वायर्ड होंगी 5000 पल्सेस। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई डोंट थिंक एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन दिस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, तो आई होप आपका क्लियर होगा, राइट, तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, तो 5000 पल्स इसका एकदम पिक्चर क्लियर रखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मजा आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर दबाइए बच्चों और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं एवरीवन, दैट वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए एवरीवन व्हाट इज दिस हियर, कह रहा है इन अ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल्ड एनसी मशीन, इन अ पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, देखिए विजिबल है आपको ये, इन ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल्ड एनसी मशीन, पॉइंट टू पॉइंट द स्टेप्स आर पोजीशन बाय अ इंटीग्रली माउंटेड स्टेपर मोटर ड्राइव, स्टेपर मोटर का यूज किया गया है, इफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मोटर इज, मोटर का जो स्पेसिफिकेशन है 1 डिग्री पर पल्स, यहां पे क्या बोल रहा है 1 डिग्री एक पल्स, मतलब वो 1 डिग्री घूमेगा एक पल्स, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी मोटर में तो वो 1 डिग्री घूमेगा, ऐसा कह रहा है 1 डिग्री पर पल्स कह रहा है बच्चों आपको, तो ये कह रहा है कि 1 डिग्री अगर दोगे तो एक पल्स, राइट, चलिए 1 डिग्री मतलब एक पल्स, चलिए कह रहा है कि द पिच ऑफ द लीड स्क्रू इज 3.6 mm, पिच कितना है 3.6 mm है आपका, तो द एक्सपेक्टेड पोजिशन एक्यूरेसी इन माइक्रोमीटर, मतलब BLU निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको, 1 डिग्री एक पल्स तो 360 डिग्री 360 पल्स, अच्छा 360 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में 360 पल्स, ये है ना बच्चों, एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 पल्स। अब एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, पिच के, एक रिवॉल्यूशन में PMM, पिच कितना दिया मतलब 3.6 mm, मतलब 3.6 mm अगर वर्क टेबल घूमेगा तो 360 पल्स का रिक्वायरमेंट है।
आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड पोजिशन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे चेक करते हैं बीएलयू निकालकर। तो बीएलयू क्या होता है, एक पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, तो एक पल्स की वजह से मतलब 3.6 अपॉन 360 mm, अगर डिवाइड कर दीजिए 360 तो इट विल बी वन पल्स, तो वन पल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वन पल्स के कोरस्पॉन्डिंग ये कितना है 1/100, 1/100 mm, दैट इज ड्यू टू द वन पल्स, राइट। तो आपको अब साफ साफ दिख रहा है दैट इज योर 10 μm ड्यू टू वन पल्स, तो एक पल्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है 10 μm, तो हमारा BLU जो हो जाएगा बेसिक लेंथ यूनिट दैट इज योर 10 μm, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम बच्चों, तो राइट आंसर इज 10। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साहू जी मजा आ रहा है, साहू जी मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, चलिए एवरीवन और आपको क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइए और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, चलिए ये कीजिएगा जल्दी से मुझे ये बताइए। चलिए ये भी है, बताइए क्या कह रहा है, ए डीसी सर्वो मोटर इज डायरेक्टली, ए डीसी सर्वो मोटर इज डायरेक्टली ड्राइविंग एन एनसी टेबल, ए डीसी सर्वो मोटर इज डायरेक्टली ड्राइविंग एन एनसी टेबल, द पिच ऑफ द लीड स्क्रू, द पिच ऑफ द लीड स्क्रू ऑफ द टेबल इज 5 mm, द पिच ऑफ द लीड स्क्रू ऑफ द टेबल इज 5 mm, द मोटर रोटेट्स एट 100 rpm फॉर एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 10 volt, जब वोल्टेज आप दे रहे हैं 10 volt तो मोटर रोटेट कर रहा है 10 rpm से, पिच दिया हुआ ये, इफ द वोल्टेज स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लीनियर, वोल्टेज और स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर है, तो बोल रहा है बताइए द अप्लाइड वोल्टेज फॉर द टेबल स्पीड ऑफ 3 m/min, जब टेबल स्पीड 3 m/min होगा तो कितना होगा, अब वोल्टेज कितना होगा एवरीवन, तो जल्दी से आंसर बताइए इसका, 1992 में आया है, तो वोल्टेज और ये बोल रहा है लीनियर है, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगा मतलब वो कॉन्स्टेंट है बच्चों, इट विल बी लाइक दिस, मतलब देखिए अगर आप वोल्टेज वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनाएं, इट इज योर लीनियर राइट, इट इज योर लीनियर, तो अगर आप वोल्टेज का और स्पीड का ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज और स्पीड का राइट लीनियर राइट एवरीवन, दिस इज योर लीनियर ओके, तो इट इज गोइंग लाइक दिस, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं वोल्टेज 1/speed 1 ओके, तो मैं वोल्टेज को एक काम कर रहा हूं, वोल्टेज को ईएमएफ के तरह ई से डिनोट कर रहा हूं, ईएमएफ क्योंकि कंफ्यूजन है, तो इट इज, इट विल बी योर ई एंड इट इज योर स्पीड इज योर वी राइट, तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V1/V2 इज इक्वल्स टू वोल्टेज मतलब E1/E2, EMF/E2। चलिए आप क्वेश्चन बना के मुझे दिखाइए जल्दी से, कह रहा है कि डीसी सर्वो मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू एनसी टेबल, द पिच ऑफ द लीड स्क्रू, जल्दी बताओ साहू एवरीवन जो भी पढ़े हो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ए डीसी सर्वो मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड, पिच दिया हुआ है 5 mm, चलो जल्दी पिच दिया हुआ है 5 mm एंड आरपीएम एन दिया हुआ है तुम्हारा 100 rpm, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा वोल्टेज है ईएमएफ है वो 10 volt, तो सुनो इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब केस वन, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा वोल्टेज है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा वोल्टेज है मतलब ईएमएफ ई वन कितना है तुम्हारा 10 volt है, यही है ना 10 volt ई1 इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब सुनो तुम तो पहले तुमको एन और पी मालूम है, तो साहू जी एन और पी, एन इंटू पी क्या होता है, आपको जस्ट पहले पढ़ाया थोड़ा देर पहले, एन इंटू पी क्या होता है, एन इंटू पी देखो यहाँ पे, एन इंटू पी देखो 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 n इंटू पी, एन इंटू पी क्या होता है टेबल स्पीड, तो टेबल स्पीड निकाल लीजिए n इंटू पी करके, बहुत आसान है, रिवॉल्यूशन पर मिनट mm पर रिवॉल्यूशन, तो n इंटू पी करके टेबल स्पीड निकाल लीजिए साहू जी, आइए आइए निकालते हैं, तो टेबल स्पीड इसका निकाल लेते हैं, तो टेबल स्पीड हमें मालूम चल जाएगा v1 आ जाएगा n इंटू पी, तो n है आपका बच्चों डेट इज योर 100 और p है आपका 5, तो ये आ रहा है बच्चों 5000 किसमें आएगा mm पर मिनट में आएगा, क्यों आएगा mm पर मिनट में, क्योंकि ये किसमें है rpm, rpm का मतलब पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और ये क्या है mm में, mm पर रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन कट जाएगा, तो आपको v1 आ गया, जैसे ही v1 आ गया आप सुनिए
अब आपको तो मालूम है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है, तो इस फॉर्मूले को अगर आप यूज कीजिएगा आपका क्वेश्चन तुरंत खट से बन जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, एक कौड़ी का क्वेश्चन नहीं है। अब आपको V1 मालूम है, डेट इज योर 500 mm पर मिनट। आपको क्या चाहिए, टेबल स्पीड चाहिए V2, राइट। टेबल स्पीड चाहिए क्या, नहीं टेबल स्पीड नहीं चाहिए, टेबल स्पीड दिया हुआ है डेट इज योर 3 meter पर मिनट। देखिए ये 3 meter पर मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज चाहिए, तो ये 3 meter, अब सुनो ये 3 meter पर मिनट इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 3000 हो जाएगा, 3000 mm पर मिनट V2, राइट। चलो पहले के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो वोल्टेज है E1 500 जब था, जब तुम्हारा टेबल स्पीड आया 500, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है EMF, डेट इज योर 10 volt, तो 10 यहाँ पे पुट कर दो और जल्दी से निकाल लो EMF2, जल्दी से आंसर बताइए EMF2 आपका जो वोल्टेज 2 है ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3000 × 10/500, राइट। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर ले बच्चों, तो ये आ रहा आपका 60 volt, तो दैट इज द राइट आंसर 60 volt। तो आप इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, 60 volt इज द राइट आंसर, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये गेट में आया है 1992 में, तो टेबल स्पीड से रिलेट करके। तो चलिए बच्चों आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो दैट इज द वेरी इजी प्रॉब्लम, 2 marks में आया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वी आर हैविंग, देखिए मैं दिखा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए मुझसे, आई विल लेट यू नो, आई विल क्लियर योर डाउट। चलिए ये देखिए एवरीवन, जल्दी से ये बताइए, क्या कह रहा है, देखिए इन ए पढ़िए, इन ए सीएनसी फीड ड्राइव ए स्टेपर मोटर विद स्टेप एंगल ऑफ 1.8 degree, 1.8 degree स्टेप एंगल दिया, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1.8 degree, ओके, पिच इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू 2 mm, बोल रहा है कि व्हाट इज द BLU बेसिक लेंथ यूनिट। ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन उठा लिए हम, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, उठा लिए तो कर देते हैं। BLU कैसे निकालेंगे, दैट इज अ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, शायद ऑलरेडी कर चुके हैं ये, अल्फा पी बाई 360, बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, पहले मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, तो 1.8 × 2/360, राइट। तो ये कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका 1/100 mm, यही आ रहा है ना 1/100 mm, तो 1/100 mm को क्या बोलेंगे, 1/100 mm को क्या बोलेंगे एवरीवन, 1/100 मतलब दैट विल बी योर 10 micrometer, करेक्ट एवरीवन, दैट विल बी योर 10 micrometer। सारे लड़के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, तो 10 micrometer, तो दैट इज द राइट आंसर, दैट इज ए, तो दैट इज जस्ट द फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। तो आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाला दिखता नहीं है क्या, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस कलर से, दिस कलर इज विजिबल और नॉट, प्लीज कमेंट चैट बॉक्स में बताइए, ये जो कलर है आपको ये विजिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो प्लीज बताइए, मैं कलर चेंज कर दूंगा। तो 10 micrometer आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरीवन, जल्दी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी गेट 2008 में आया है, बड़ा इसको कह रहा है कि ए स्टेपर मोटर हैज 150 steps, ए स्टेपर मोटर हैज 150 steps, द आउटपुट शाफ्ट ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली कपल्ड टू अ लीड स्क्रू ऑफ पिच, कुछ नहीं करना है, बहुत ही घटिया, क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स दिया हुआ है, चलिए तो नंबर ऑफ स्टेप्स दिया हुआ है एवरीवन, दैट इज योर नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी लाइक दिस, नंबर ऑफ स्टेप्स इज योर 150 ns, पिच दिया हुआ है बच्चों दैट इज योर 4 mm, ओके, which drives a table, which drives a table if the frequency of the pulse supply is 200 hertz, तो frequency of the pulse supply f 200 hertz, तो मैंने आपको सिखाया है बच्चों के hertz का मतलब हो गया 200 pulses per second, यही सिखाया है ना, hertz का मतलब होता है pulses per second, right? अब बोला था table speed आपको बताना है everyone इसका, what is the table speed, तो जल्दी से बताइएगा मुझे टेबल स्पीड इसका एवरीवन,
कितना होगा? सारे लड़के एवरीवन टेल मी। तो जस्ट पॉज कीजिए और इसको बनाइए, पॉज कीजिए और इसको जल्दी से बनाइए एवरीवन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए पॉज करके सारे लड़के। संजय साहू जो भी देख रहे हैं जल्दी से पॉज करके इसको बनाइए और आंसर बताइए एवरीवन। जल्दी 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 पॉज कीजिए और जल्दी से इसको बनाइए और मुझे बताइए। तो बिना BLU सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा BLU। इसमें देखिएगा आपको क्या निकालना है, टेबल स्पीड। अब सुनिए, टेबल स्पीड आपको निकालना है। तो टेबल स्पीड क्या बताया, देखो यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो रो नहीं देखो। टेबल स्पीड तुम्हें चाहिए, टेबल स्पीड तुम्हें चाहिए। क्या दिया हुआ है, पल्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पल्सेस पर सेकेंड, ये दिया हुआ है ना, पल्सेस पर सेकेंड। तो तुम्हें क्या चाहिए, BLU। जैसे ही BLU निकालोगे, BLU into F, यही फॉर्मूला है ना, BLU into F is equals to V, N into P is equals to V, मतलब BLU निकाल लेंगे, काम खत्म, काम खत्म। तो BLU निकाल दो, देखो BLU निकाल देते हैं इसका। तो बोलोगे सर BLU कैसे निकलेगा, इसके लिए तो चाहिए NS। अरे तो NS निकाल, नंबर ऑफ स्टेप दिया, अल्फा निकाल लो। स्टेप एंगल क्या होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये आ गया 360 अपॉन 150, पढ़ाए हैं थोड़ी देर पहले, पढ़ाए हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेप एंगल। यूनिटरी मेथड भी बच्चों लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 360 डिवाइडेड बाई 150, राइट। तो ये आ रहा है 12/5, मतलब 2.4 डिग्री। तो BLU निकल जाएगा यहां से। BLU क्या होता है बच्चों, डेट विल बी योर अल्फा पी बाई 360। अरे होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, 4/360, राइट। चलो जल्दी, 2.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 360, तो दिस वी आर गेटिंग माई डियर फ्रेंड 0.0266 mm। mm में आ रहा है ना एवरीवन, 0.0266 mm। तो बाई डिफॉल्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि BLU होता क्या है, एक पल्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। तो BLU को अपन ऐसा लिख सकते हैं 0.0266 mm पर पल्स। किसी को बताना मत, किसी दूसरे को मत बताना, बोलना कि भैया 0.0266 mm पर पल्स, राइट। चलो mm पर पल्स, ये ना mm पर पल्स। तो BLU आ गया, आप तुम्हें निकालना है टेबल स्पीड। तो V इज इक्वल्स टू BLU इंटू एफ, इट विल बी योर 0.0266 इंटू F, F, F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है, F दिया हुआ है 200 हर्ट्ज, मतलब 200 पल्सेस पर सेकेंड, 200 पल्सेस पर सेकेंड, मतलब 200। तो ये आपका आएगा mm पर सेकेंड में आएगा, याद रखिएगा mm पर सेकेंड में आएगा। बच्चों खुश होके आंसर मत पुट कर दीजिएगा, ये ज्यादा खुश मत होइएगा। इट विल बी योर 16/3 mm पर सेकेंड। अब इसको बदलना है mm पर मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर कितना आ रहा है, 320 mm पर मिनट। तो आपका टेबल स्पीड आ गया 320 पर मिनट BLU into F, राइट। 320 पर मिनट, मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का, जो गेट 2008 में आया था, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी 320। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया एवरीवन, समझ में आया तो लाइक बटन दबाइएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एवरीवन। अरे बोलो, अब बोलोगे कि नहीं बोलोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें संजू, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इट विल बी लाइक दिस, एक ये भी है, एक ये भी है, आइए ये भी क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन करा करा के आपको दम धुआं धुआं कर देंगे, ताकि आपका क्वेश्चन ही नहीं छूटे। क्या कह रहा है, द टोटल एंगुलर मूवमेंट इन डिग्री ऑफ ए लीड स्क्रू विद अ पिच ऑफ 5 mm। तो 5 mm पिच का लीड स्क्रू है, तो उसका पूछ रहा है कि टोटल कितना एंगल मूव करेगा, टोटल कितना एंगल मूव करेगा। द वर्क टेबल, व्हेन द वर्क टेबल डिस्प्लेस बाई वर्क, उल्टा कर दिया क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है कि वर्क टेबल डिस्प्लेस कर गया 200 mm। तो वर्क टेबल अगर डिस्प्लेस कर गया है 200 mm, तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल रिवॉल्यूशन ये कितना होगा। जल्दी एवरीवन,
जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना होना चाहिए सारे लड़के, एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट, टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस। टोटल एंगुलर मूवमेंट इन डिग्री, टोटल एंगुलर मूवमेंट, पॉज करके जल्दी से आंसर बताइए अगर आप पढ़े हैं तो प्लीज। अगर आप ढंग से पढ़े हैं तो आप बिल्कुल इसका आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो भैया फिर नहीं बनने वाला है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पॉज करके इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। नहीं बन रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, पॉज कर लीजिए, आप सॉल्यूशन देखिए, अगर नहीं बनता है आपसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि द टोटल एंगुलर मूवमेंट इन डिग्री, आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 mm, पिच दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है 5 mm। तो अब आप सुनिए, पिच दिया हुआ है 5 mm, एक कौड़ी का क्वेश्चन नहीं है, आपसे बन नहीं रहा है, बहुत बुरी बात है। देखो क्या कह रहा है, पिच दिया हुआ है 5, मैंने आपको सिखाया पिच का मतलब होता है 5 mm पर रिवॉल्यूशन। पिच क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एमएम डिस्प्लेस होगा, राइट। तो अब सुनो तुम कि एक रिवॉल्यूशन मतलब 5 mm में, 5 mm अगर वर्क टेबल डिस्प्लेस होता, 5 mm अगर वर्क टेबल डिस्प्लेस होता, पी का ही ना, 5 mm अगर वर्क टेबल डिस्प्लेस होता तो एक रिवॉल्यूशन लीड स्क्रू लगाता, यही है ना, 5 mm अगर वर्क टेबल डिस्प्लेस होता। पिच का ये मतलब है कि वर्क टेबल अगर 5 mm डिस्प्लेस होगा तो लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन घूमेगा, सही बात है। तो 5 mm अगर घूमेगा तो एक रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री घूम जाएगा ना, लीड स्क्रू 360 डिग्री घूम जाएगा टोटल, करेक्ट। तो अगर 1 mm होगा बच्चों तो आपका 360 by 5 degree, 360 by 5 degree मतलब 1 mm में 360 by 5 degree। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, मतलब ये आपका 72 degree, मतलब 1 mm अगर वर्क टेबल को डिस्प्लेस करना है तो लीड स्क्रू को 72 degree घूमना पड़ेगा। आप सुनिए कि पिच से, पिच के मदद से निकाल लिए, यूनिटरी मेथड। अब कह रहा है कि 200 mm वर्क टेबल, अगर 200 mm वर्क टेबल डिस्प्लेस कर रहा है तो लीड स्क्रू कितना एंगल घूमेगा, तो बस कुछ नहीं है बकवास, तो 200 mm के लिए 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 × 200, तो ये आ गया आपका 14400 degree, मतलब 14400 degree। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज योर ए, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरीवन ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे आज हम, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। संजय साहू बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसी तरह देख रहे हो झूठ मुठ का, बोलो देख रहे हो या नहीं, इसी तरह देख रहे हो संजय। चलो देखो 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 देखो, एक दो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, एक मिनट एक मिनट, चलिए ये देखिए। संजय कुछ बोल नहीं रहे हो, उस वक्त सर क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराइए, बोल ही नहीं रहे हो, मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन करके। चलो देखो कह रहा है फॉर ए थ्री एक्सिस सीएनसी टेबल, तीन एक्सिस सीएनसी टेबल है, द स्लाइड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेबल ड्रिवन बाय अ डीसी सर्वो मोटर वाया लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म। तो मैंने आपको पढ़ाया है डीसी सर्वो मोटर वाया लीड स्क्रू नट मैकेनिज्म, यही पढ़ाया है पूरा। द लीड स्क्रू हैज अ पिच ऑफ 5 mm, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लीड स्क्रू हैज अ पिच ऑफ 5 mm, तो लीड स्क्रू का पिच दिया हुआ है 5 mm, तो मैंने तो आपको शॉर्टकट सिखा दिया, क्या लिख दीजिए 5 mm पर रिवॉल्यूशन, यही सिखाया है ना कि 5 mm पर रिवॉल्यूशन, ये मैंने आपको सिखा दिया बहुत अच्छी तरीके से। चलिए पिच का मतलब हो गया 5 mm पर रिवॉल्यूशन, ओके। चलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी से बनाइए जब तक मैं थोड़ा सजा लूं इसको। आइए दूसरा क्या कह रहा है, द बेसिक लेंथ यूनिट ऑफ द स्लाइड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द टेबल इज दिस, तो BLU दिया हुआ है बच्चों, BLU दिया हुआ है 0.005 mm, दैट इज योर BLU, BLU इज 0.005 mm। व्हेन द टेबल मूव्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस बाय 9 mm, जब ये 9 mm जाता है, देन द कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ पल्स जनरेटेड, कितना पल्स होगा जब 9 mm जाता है तो इनकोडर कितना पल्स जनरेट करेगा, द कोरस्पोंडिंग नंबर ऑफ पल्स इज जनरेटेड बाई द इनकोडर। देखिए
तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पल्सेस जब भी निकालना हो तो क्या निकालेंगे, BLU। आपको मैंने बता दिया है कि जब भी नंबर ऑफ पल्सेस निकालना होगा, नंबर ऑफ पल्सेस का इनडायरेक्टली मतलब होता है कि BLU की तरफ जाइए, BLU के बिना नहीं निकलेगा, BLU की मदद, टेक हेल्प फ्रॉम BLU, तो टेक हेल्प फ्रॉम BLU, टेक हेल्प फ्रॉम BLU, BLU ही आपकी मदद करेगा यहां पे, टेक हेल्प फ्रॉम BLU। तो सबसे पहले BLU निकाल देंगे, तो BLU अगर इसको, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि BLU यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो BLU का मतलब क्या है बच्चों, सुनिए, BLU का मतलब यहां पे ये है कि BLU कहता है कि एक पल्स अगर, वन पल्स अगर इनकोडर जनरेट करेगा तो वर्क टेबल 0.005 mm डिस्प्लेस कर जाएगा, अगर वन पल्स देगा तो। तो द कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पल्सेस जनरेटेड बाय द इनकोडर, तो इसका मतलब है कि वन पल्स अगर जनरेट करेगा, मतलब 0. BLU का साफ साफ मतलब है कि 0.005 mm अगर वर्क टेबल डिस्प्लेस करेगा, तो 0.005 mm डिस्प्लेस करेगा कब, जब वन पल्स आप इसको सप्लाई करेंगे, वन पल्स आप जब देंगे तो, क्योंकि BLU होता ही वन पल्स के लिए। तो अब आप बोलेंगे सर 1 mm के लिए क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 1 mm के लिए 1/1/005 पल्स, राइट। तो ये आपका आ गया बच्चों, क्या आ गया, 200 पल्सेस आ गया। इसका आंसर समझ में आया बच्चों, तो यार आपका आ रहा है कितना, 200 पल्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 9 mm, जब वर्टिकल एक्सिस पे आप 9 mm, व्हेन द टेबल मूव्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, भाई 9 mm, तो 9 mm के लिए कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 1800, तो 9 mm के लिए 9 mm अगर डिस्प्लेस करेगा तो 9 × 200 इट विल बी योर 1800, राइट। तो 1800 पल्सेस बच्चों आपकी इसमें इनकोडर जनरेट करेगा 1800, तो राइट आंसर इज 1800। आई होप आपका क्लियर हो गया पिक्चर क्लियर हुआ होगा, दैट इज बी इज द 1800। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, मजा नहीं आता, मैं इतना न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है उतना, आपको लगता है कोई काम का नहीं है, बहुत काम का है। आप क्वेश्चन बैंक जिस दिन खोलेंगे ना, देन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि फ्री लेक्चर्स में इतना न्यूमेरिकल्स मुझे करने को मिला, फ्री में बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है बच्चों। चलिए देखिए एक और न्यूमेरिकल आपके सामने रेडी है, क्या है देखिए, क्या है, देखिए एक और न्यूमेरिकल है बच्चों, दिस इज लाइक दिस, देखिए ये गेट 2020 में आया, बहुत मस्त न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है एवरीवन। चलिए बनाइए इसको, पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बनाऊंगा, तो मैं पॉज कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप बनाइए, क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ फिर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, बस आप बनाएंगे, अगर आपसे नहीं बनेगा देन आई विल एक्सप्लेन। कह रहा है कि ए पॉइंट पी ऑन अ सीएनसी कंट्रोल्ड एक्स वाई स्टेज इज मूव टू अनदर पॉइंट, मतलब पी से जा रहा है क्यू पे, ओके, एक पी टू पी है रैपिड पोजिशनिंग G00। चलिए अब आपको बोल रहा है ए पेयर ऑफ ए स्टेपर मोटर विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 800 rpm, पेयर ऑफ स्टेपर मोटर, दो एक्सिस में जा रहा है, तो एक स्टेपर मोटर क्या करेगा, एक्स एक्सिस के स्पीड को कमांड करेगा, एक करेगा वाई एक्सिस के स्पीड को कमांड करेगा, मतलब दो स्टेपर मोटर होगा, देखिए कंट्रोलिंग बोथ द एक्स एंड वाई मोशन ऑफ द स्टेज, तो दो स्टेपर मोटर एक एक्स को कर रहा है एक वाई को कर रहा है। चलिए बोल रहा है आर डायरेक्टली कपल्ड टू अ पेयर ऑफ द लीड स्क्रू, दोनों अपना अपना एक एक पेयर से कनेक्ट है लीड स्क्रू से, इच विद अ यूनिफॉर्म पिच, मतलब दोनों का एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों का पिच आपका क्या है, दैट इज 0.5 mm, दोनों का पिच है बच्चों, ओके। द टाइम नीडेड टू पोजीशन द पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, मतलब कितना समय लगेगा पोजीशन, मतलब आपको टूल को पी से क्यू पे ले जाने में कितना समय लगेगा, सारे लड़के जल्दी से बता दें मुझे, जल्दी जल्दी। देखिए तो दोनों स्टेपर मोटर की अगर बात करें हम लोग, एक्स और वाई की अगर बात की जाए यहाँ पे मेरे दोस्तों, देखो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, गेट में आया है, अगर तुम देखो ये एक्स है ये वाई है, यही है ना। तो अगर अपन बात करें, सुनो अगर अपन बात करते हैं एक्स और वाई की, तो तुम्हें दिया हुआ है आरपीएम तो दोनों का सेम है, एन एक्स जो दिया हुआ है तुम्हारा, डेट इज योर 800,
और NY दिया हुआ है आपका ये भी 800, मतलब RPM में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि दोनों का RPM सेम दिया हुआ है, राइट, मैक्सिमम RPM दिया हुआ है X और Y का। उसके बाद पिच भी दोनों का सेम दिया हुआ है, मतलब PX इज योर 0.5 mm और PY इज योर 0.5 mm। अरे यही है ना भाई, दोनों का 0.5 mm 5 mm दिया हुआ है, राइट। अब आपको मैंने बताया कि VX कैसे निकालेंगे, VX और VY, तो ये भी तो जो स्पीड होगा टेबल का, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा क्योंकि RPM भी सेम है और पिच भी आपका सेम है। तो V आपको मालूम है, V कैसे निकालेंगे एवरीवन, N into P, तो N into P से V निकाल लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया ऑलरेडी, दैट इज योर NX into PX एंड दिस विल बी योर NY into PY, करेक्ट। तो जल्दी से बताइए N into P, तो ये आपका आ जाएगा 40 mm पर मिनट और ये भी आ जाएगा आपका 40 mm पर मिनट, राइट। चलिए एवरीवन, ये आप समझ गए, एक्स और वाई दोनों का एम दिया हुआ था, पिच दिया हुआ था, तो आपने स्पीड तो निकाल लिया कि भैया 40 से ये जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को कि ये 40 से जाएगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो एक्स डायरेक्शन में भी 40 स्पीड से जाएगा, वाई डायरेक्शन में। अब भाई अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कीजिएगा, सुनिए, आप यहां से यहां आइएगा, एक्स यही होगा ना, तो एक्स का चलिए सफर को शुरू करते हैं, एक्स के सफर को अगर शुरू करते हैं अपन, तो एक्स यहां से स्टार्ट होगा और यहां से आके इस तरह जाएगा लाइक दिस। चलिए तो x आपका यहां से यहां जाएगा, x कोऑर्डिनेट, तो बताइए x डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा एवरीवन। तो आप बोलेंगे कि सर x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इट विल बी लाइक दिस, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द x, थोड़ा डार्क लाइन ले लेते हैं बच्चों, तो x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो आपको मालूम है ये कोऑर्डिनेट कितना है 200 और ये है 800, तो ये कितना हो जाएगा 600। अरे बोलो रे बाबा, ये आ जाएगा 600, ये 600 आ गया। तो चलिए आप बताइए कि tx कितना टाइम लगेगा, तो tx अगर बात करें तो आपको मालूम चल गया कि LX आपको मालूम है, दैट इज योर LX, LX इज योर 600 mm, राइट। अच्छा LY इज योर एवरीवन, LY Y डायरेक्शन में कितना हो रहा है, Y डायरेक्शन में, तो अब आप बोलेंगे कि सर Y डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा यहां से यहां तक Y डायरेक्शन में, राइट, y डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 300 है, ये 600 है, मतलब 300 y डायरेक्शन में, ये 300 करेगा तो मतलब आपको ये दिख रहा है LX और LY, मतलब डिस्टेंस ये दिया हुआ है 300 mm, तो आपको ये सारी चीजें दिख गई यहां पे, स्पीड भी मालूम है आपको किस स्पीड से जा रहा है, 40 mm पर मिनट से जा रहा है x डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ दोस्त tx टाइम कितना लगेगा x डायरेक्शन में उसको पहुंचने में, तो आप क्या बताएंगे, सर tx जो हो जाएगा हमारा, Tx क्या होता है, S is equals to Vt, तो मतलब L by T, right? L by V, अगर L by V की बात करें, मतलब LX by VX, right? LX by VX अगर आप बोलेंगे तो LX आपका कितना है 600 by 40, तो ये इतना मिनट आ जाएगा, तो बताइए बच्चों 600 by 40, चलिए ये कितना आ रहा है आपका एवरीवन, दैट इज योर ओके जीरो पॉइंट फाइव है पिच ना, ओके 800 RPM एन इंटू पी, ओ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दिया यहां पे, सॉरी 800 × 0.5 ये 400 होगा ना, सॉरी देखो गलती हो जाता है यहीं पे, एग्जाम में भी गलत होता है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 400 आएगा ना, ये तुम लोग भी बताए नहीं यार, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, 400 मैंने 40 लिख दिया सॉरी, मतलब उसका हाफ है ना, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हाफ, राइट। तो ये आपका 800 × pitch RPM × pitch ये आएगा आपका 400 mm पर मिनट, ये भी आएगा बच्चों आपका 400 mm पर मिनट, सॉरी फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी, तो यही मैं सोच रहा हूँ कि ये अलग कैसे आ रहा है। चलिए तो ये आपका आ गया बच्चों, दैट विल बी योर 600 upon 400, तो 600 upon 400 ये आपका आ रहा है बच्चों 1.5 मिनट, करेक्ट। सिमिलरली जब आप टी वाई निकालेंगे तो टी वाई विल बी लाइक दिस, दैट इज योर LY upon VY,
तो ये आपका आ जाएगा 300 अपॉन, ये थोड़ा सा कम है, डेट दिस विल बी योर 300 अपॉन 400, स्पीड तो सेम है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट विल बी 0.75। क्यों ऐसे कर रहा है यार, 0. पेंसिल लग रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, 0.75 मिनट, राइट। चलिए तो ये आ गई बच्चों आपकी 0.75 मिनट। तो ये दोनों समय आपने निकाले, अब आप सुनिए गौर से इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो ये आ रहा है आपका, इसको 1.5 मिनट लग रहा है, आप सुनिए इसको आप ब्रेक करके अगर लिखिएगा टोटल टाइम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.75 मिनट प्लस 0.75 मिनट। गौर से समझिए, मतलब आपका जो टी एक्स है, जो टी एक्स है मतलब एक्स जाने में, आप गौर से समझिएगा इसको कि ये 1.5 मिनट का मतलब है 0.75 मिनट प्लस 0.75 मिनट। तो टोटल टाइम अगर हम लोग बात करें कि पी को क्यू में पहुंचने में, तो पी को क्यू पे पहुंचने में, तो जितना देर में आप एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहां से पहुंचिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जितना देर में, मतलब एक्स को पहुंचने में लग रहा है 1.5 मिनट बच्चों, एक्स को पहुंचने में क्या लग रहा है, 1.5 मिनट। ओके, एक्स को पहुंचने में लग रहा है 1.5 मिनट एवरीवन, यहां से यहां x को पहुंचने में 1.5 और y को लग रहा है 0.75। तो 0.75 मिनट में एग्जैक्टली क्या होगा, 0.75 मिनट में x आपको आधा ट्रेवल कर लेगा, लेकिन y आपको पूरा पहुंच जाएगा अपने कोऑर्डिनेट पे, मतलब 600 पे जहां पे जाना है, तो y अपने 600 पे पहुंच जाएगा, लेकिन x जो है आपका 800 के बजाय 400 पे रह पाएगा, राइट। मतलब ये मिड पॉइंट पे ही आपका रह पाएगा, जहां पे इसको पहुंचना है नहीं पहुंच पाएगा। तो मतलब अगले 0.75 में, अगले जीरो मतलब इस 0.75 में x अपना आधा ट्रैवल कर लेगा और y अपना पूरा ट्रैवल कर लेगा, और बाद वाले बचे हुए 0.75 में जो बचा हुआ x का जो वैल्यू है वो उसको x ट्रैवल करेगा उस डायरेक्शन में। तो टोटल अगर टाइम बात करें कि द टाइम नीडेड टू पोजीशन द पॉइंट p टू पॉइंट q, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा, तो हमारा फाइनल आंसर बच्चों आपको समझ में आ गया, टोटल टाइम नीडेड needed, तो ये बराबर हो जाएगा tx के, जो larger time है आपका, it will be your 0.75 plus 0.7 मतलब 1.5 मिनट में ही आपका आंसर आ जाएगा। 1.5 मिनट आपको लगेगा, बहुत लड़के गलत करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है, 1.5 मिनट, राइट, जो x को लग रहा है, क्योंकि y तो 0.75 में ही कंप्लीट कर लेगा और x 0.75 में आधा करेगा और बचे हुए 0.75 में आधा करेगा, तो टोटल टाइम हमें लगेगा 1.5 मिनट। तो आंसर कितना है, 1.5। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अभी अभी अभी, अभी मैं एटलीस्ट 20 मिनट और लूंगा लेक्चर। चलिए और एक क्वेश्चन और कराना है मुझे एवरीवन, एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे मेरे पास है, मैं एक मिनट आपको करा रहा हूँ, देख मिनट वेट कीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है आपको गेट का है 20 का ये शायद प्लस 2 मार्क्स, लेकिन वो वाला जो अभी कराया वो भी 20 का था, लेकिन वो मैकेनिकल का था और ये वाला पीआई का है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मूवमेंट अलोंग द जेड एक्सिस, द मूवमेंट अलोंग द जेड एक्सिस, along the z-axis of a CNC drilling machine, of a CNC drilling machine using drilling machine is controlled by, machine is controlled by, is controlled by using, using a servo motor, a servo motor, right, a servo motor, the lead screw
हैज, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, ए लीड स्क्रू हैज टू थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, टू थ्रेड्स पर सेंटीमीटर। अगर जो लड़का मुझसे थ्रेड कटिंग पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है कन्वेंशनल मशीनिंग में थ्रेड कटिंग, क्योंकि लीड स्क्रू में भी थ्रेड बनता है, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एन थ्रेड्स पर सेंटीमीटर इसका क्या मतलब है, एन थ्रेड्स पर सेंटीमीटर का। तो अगर आपको याद होगा तो आप इस न्यूमेरिकल को, एक कौड़ी का न्यूमेरिकल नहीं है, आप लोग तुरंत बना सकते हैं, और बहुत लड़के इसी में फंस गए और बेचारे निपट गए। एंड इट इज डायरेक्टली कपल्ड टू द सर्वो मोटर, एंड इट इज डायरेक्टली कपल्ड टू द सर्वो मोटर, डायरेक्टली कपल्ड टू द सर्वो मोटर, कपल्ड टू द सर्वो मोटर। डायरेक्टली ये सर्वो मोटर से जुड़ा हुआ है। द इनकोडर अटैच टू द, द इनकोडर, द इनकोडर अटैच्ड टू द लीड स्क्रू इमिट्स, टू द लीड स्क्रू इमिट्स, इमिट्स 100 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, 100 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन। द कंट्रोल रिजोल्यूशन इन माइक्रोन, द कंट्रोल रिजोल्यूशन इन माइक्रोन। कंट्रोल रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं, अभी लेक्चर में पढ़ाते वक्त मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। द कंट्रोल रिजोल्यूशन इन माइक्रोमीटर इज डैश। चलिए बताइए, यही गेटर क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाइए और आंसर बताइए मुझे। चलिए जल्दी से, एवरी वन प्लीज ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दिस माई डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई दिस एवरी वन, प्लीज ट्राई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कंट्रोल रिजोल्यूशंस। तो टाइम कम है, समय कम है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, आपसे बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है एवरीवन। तो चलिए मैं बनाता हूं विदाउट वेस्टिंग, बिना टाइम वेस्ट किया हुआ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। बोला द मूवमेंट इन अ सीएनसी टू थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, इसका साफ साफ मतलब होता है, देखिए टू थ्रेड्स पर सेंटीमीटर राइट। तो एक थ्रेड, जो एक थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं उसी को पिच, एक थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को। तो आप अगर देखें यहां पे लिखा हुआ है टू थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, टू थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर। तो वन थ्रेड जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो एक थ्रेड का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग पिच, मतलब पिच जो हो गया आपका, क्या हो गया, पिच इज योर 0.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन अब एकदम खत्म हो गया, यही कैच था इसमें। जैसे ही आपको मालूम चल गया बच्चों पिच, पी इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें मालूम है कि 0.5 इंटू सेंटीमीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10^4 माइक्रोमीटर, 10^4 माइक्रोमीटर, एक सेंटीमीटर 10^4 माइक्रोमीटर। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 5 × 10^3 माइक्रोमीटर, करेक्ट, 5 × 10^3 माइक्रोमीटर। और मैंने आपको बहुत इजीली वे में सिखाया हुआ है बच्चों कि पिच कहीं भी देखिए, पिच का मतलब क्या होता है, दैट इज, इसका मतलब होता है अगर लीड स्क्रू एक रिवॉल्यूशन लगाएगा तो वर्क टेबल PMM डिस्प्लेस करेगा, मतलब दैट इज द डिस्प्लेसमेंट पर रिवॉल्यूशन। तो आप लोग आंख बंद करके पिच का यूनिट क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर 5 × 10^3 माइक्रोमीटर पर रिवॉल्यूशन, माइक्रोमीटर पर रिवॉल्यूशन लिख सकते हैं पिच को। मैंने आपको शुरू में भी सिखाया है कि जब भी पिच देखिए उसको आप बाय डिफॉल्ट माइक्रोमीटर पर रिवॉल्यूशन आंख बंद करके लिख सकते हैं। चलिए दूसरा आपको क्या दिया हुआ, एक सर्टेन पैरामीटर्स और दिया हुआ है, एक्स मान लेते हैं इसको, एक सर्टेन डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, कह रहा है कि द लीड स्क्रू, द इनकोडर ऑफ द लीड स्क्रू इमिट्स, इनकोडर इमिट्स कर रहा है कितना, 100 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में जो इनकोडर रिवॉल्व कर रहा है तो 100 पल्स दे रहा है आपको, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या दे रहा है, एक्स, मैंने इसको, इसको कुछ क्वांटिटी तो बोलते नहीं है कि इसको पल्स, इसको पल्स फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते हैं, इसको पिच नहीं बोल सकते, इसको BLU नहीं बोल, इसको मैंने एक्स मान लिया कि कोई अदर पैरामीटर्स दिया हुआ है राइट। क्या दिया हुआ है, 100 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, तो 100 पल्स पर रिवॉल्यूशन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब आप सोचिए आपको निकालना है BLU, कंट्रोल रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं, BLU को, BLU निकालना है हमें। तो आप सोचिए कि ये माइक्रोमीटर पर रिवॉल्यूशन, ये पल्स पर रिवॉल्यूशन,
तो क्या करें इसको, अगर P बाई एक्स कर दें, क्योंकि BLU क्या होता है, दैट इज द mm पर पल्स, माइक्रोमीटर पर पल्स, एक पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट, एक पल्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, BLU। तो BLU यहां पे बच्चों हो जाएगा, दैट इज योर कंट्रोल रिजोल्यूशन। सब एक्सप्लेन किए हैं कंट्रोल रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन पीछे जाके देखिएगा, कंट्रोल रिजोल्यूशन ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स बाई पी, एक्स बाई पी राइट, x by p, right? x by p, x by p का मतलब क्या हो गया, नहीं x by p करेंगे तो पल्स नहीं, सॉरी p by x कर दीजिए, क्योंकि हमें पल्स नीचे चाहिए, पर पल्स चाहिए ना, इसको आप कर दीजिए p by x। देखिए तो p by x अगर आप निकालेंगे बच्चों तो इट विल बी लाइक दिस, p कितना है आपका 5 into 10 to the power 3 माइक्रोमीटर अपॉन पल्स मतलब 100, तो ये आ गया आपका 50, कितना आ गया 50 माइक्रोमीटर पर पल्स। बात समझ में आई, 50 माइक्रोमीटर पर पल्स, क्यों, क्योंकि आपका ये रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो यही फास्ट दिमाग लगाना है, मैंने तुरंत बोल दिया कि देखो पिच को लिख दो माइक्रोमीटर पर रिवॉल्यूशन, तो आपने अगर ऐसा लिख दिया, आपको अगर प्रैक्टिस में है कि आपको मालूम है पिच क्या होता है पर रिवॉल्यूशन, ये आपको एक पैरामीटर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया रिवॉल्यूशन कट गया, ये आ गया माइक्रोमीटर पर पल्स, और एक पल्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, BLU, तो ये आपका आ जाएगा 50 माइक्रोमीटर बस और कुछ नहीं, 50 माइक्रोमीटर पर पल्स को हटा दीजिए, तो दैट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या है, दैट इज योर 50 माइक्रोमीटर पर पल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत है, आप जितना भी क्वेश्चन चाहिए करने के लिए आप कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, आप आराम से सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं मेरे दोस्तों, आराम से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त एवरीवन, बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, 50 माइक्रोमीटर इसका आंसर आ गया। देखो अभी तक मैं चल रहा हूं ओपन लूप में, मुझे क्लोज लूप भी पढ़ाना था, मैंने सोचा था कि आपको क्लोज लूप भी बताऊंगा आज, कि क्लोज लूप में इनकोडर का जो यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फीडबैक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें मुझे बतानी थी, लेकिन क्लोज लूप वाला मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, टाइम कम है, लेकिन मैं क्लोज लूप भी आपको बताने आज मूड में था कि सब बता दूंगा आपको, लेकिन प्लस पे अगर आप हैं तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों। मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्लास ही बंद हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दैट्स द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए चलिए एवरीवन स्टार्ट करेंगे, चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए तो आप बनाइए क्वेश्चन, सबको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दूं एक और, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, चलो 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 एकदम धुआं उड़ा दो, धुआं उड़ा दो इस टॉपिक का, एकदम चमकना चाहिए, एकदम एक एक चीज समझ में आ जाए, पिक्चर क्लियर, क्या बोलना है, पिक्चर क्लियर, क्या बोलना है, पिक्चर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट विल बी This one, इसको बनाइए थोड़ा जल्दी से, ये देखिए ये बनाइए, देखिए चलिए, this is the next question, क्या कह रहा है, a DC servo motor is coupled directly to a lead screw, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का क्वेश्चन है, ESE मेंस, राइट, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आई एम गोइंग टू राइट, इट इज योर ESE मेंस का ये न्यूमेरिकल है मेरे दोस्त, और 5-5-5 नंबर फोकट में आएगा, देखो 5-5-5 15 मार्क्स यू गाइस आर गोइंग टू गेट एकदम इजीली। नाउ सी व्हाट आर द टाइमिंग ऑफ योर क्लासेस सर, रेडी द टाइमिंग ऑफ माय क्लासेस इज एवरी डे 6 PM to 8 PM यू कैन अटेंड माय लेक्चर्स ऑन गेट लीड चैनल and my links are given on the descriptions, my profile of Unacademy, you can just follow me and watch all my free lectures on special class and enjoy the best learning here and just learn from me how to solve the numericals, right, numerical kaise solve karna hai, I will discuss everything, sab cheez aapko bataunga, aap bas ye dekhiye, chaliye dekhiye,
A DC servo motor is coupled directly to a lead screw, right? A digital encoder which emits 500 pulses per revolution. तो 500 पल्स पर रिवॉल्यूशन दे रहा है। चलो मैं इसको x मान ले रहा हूं बच्चों, मैंने अभी जैसे आपको पढ़ाया, मैंने बोला x, x is your 500 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, पल्सेस पर रिवॉल्यूशन मतलब 500 पल्स पर रिवॉल्यूशन है, इज माउंटेड ऑन द अदर एंड ऑफ द लीड स्क्रू, लीड स्क्रू के अदर एंड पे माउंटेड है, राइट कह रहा है कि इफ द लीड स्क्रू पिच इज 5 mm, लीड स्क्रू का पिच है 5 mm, तो मैंने आपको सिखाया है क्या कि जब भी पिच को देखना तो पिच को क्या लिख देना चुपचाप से कि 5 mm पर रिवॉल्यूशन, मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि पिच क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट। चलिए दूसरा मैंने आपको बताया, इफ द लीड स्क्रू पिच इज 5 mm, द मोटर रोटेट्स एट 600 rpm, मतलब n दिया हुआ है 600 rpm, rpm मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। चलिए बोल रहा था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टेबल, लीनियर वेलोसिटी क्या है, n into p, तो पहला क्वेश्चन नंबर ए, लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है n into p, आपको शुरू में ही बताया, जाके देखिएगा। तो ये बच्चों 600 × 5 मतलब 3000 mm पर मिनट, अरे यही है ना भाई, 3000 mm पर मिनट, राइट और नॉट, 3000 mm पर मिनट आपका आ गया करेक्ट। चलिए तो 3000 mm पर मिनट हमारा आ गया, V is equals to N into P, इसको अगर आप इसमें डालेंगे N आपको मालूम है mm, मिनट मिनट कट जाएगा राइट, रिवॉल्यूशन कट जाएगा mm पर मिनट राइट। अब इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 3000 डिवाइडेड बाई 60, तो व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज 50 meter, 50 mm पर सेकेंड। चलिए ये आ गया आपको दूसरा, बोल रहा है BLU ऑफ द NC सिस्टम। अच्छा आपको मालूम है एक चीज कि BLU into F, F तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो BLU अभी हम लोग जस्ट निकाले, क्या होता है P by X, देखो यहाँ पे निकाले ना P by X, that is the BLU, तो यहाँ पे भी पुट कर दो, BLU क्या आ जाएगा तुम्हारा, BLU is equals to P by X, BLU is equals to P by F, पिच कितना दिया हुआ है, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, पिच क्या हो जाएगा, mm पर पल्स मतलब 5 divided by x, x दिया हुआ है तुम्हारा 500, ये आ जाएगा 1/100 mm पर पल्स, एक पल्स की वजह से, बहुत बढ़िया। तो ये आ रहा है आपका, आपका आ रहा है 10 micrometer पर पल्स, 10 micrometer पर पल्स करेक्ट, 10 micrometer पर पल्स मतलब BLU कितना आ गया आपका, 10 micrometer, बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं BLU इज द 10 micrometer, दैट इज योर 10 micrometer करेक्ट, तो BLU इज योर 10 micrometer, 1/100 मतलब 10 micrometer, ओके एवरीवन, तो दैट इज द BLU व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड नाउ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, BLU जैसे ही मालूम चल गया हमें P / X, तो mm पर पल्स आ जाएगा। चलिए थर्ड क्या है हमारा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स ट्रांसमिटेड बाय द इनकोडर, फ्रीक्वेंसी कितना ट्रांसमिट करेगा, तो आपको मालूम है कि BLU, देखो BLU into F, ये किसके बराबर होता है, टेबल स्पीड के, यही पढ़ा है ना BLU into F, तो BLU कितना दिया हुआ, 10 micrometer मतलब ये कितना है, 1/100 mm, तो इसको पुट कर दो 1/100 BLU, F चाहिए और टेबल स्पीड तुम्हें मालूम है, BLU है mm पर पल्स और टेबल स्पीड तुम्हें मालूम है, दैट इज योर 50 mm पर सेकेंड, 50 mm पर सेकेंड, दैट इज द टेबल स्पीड, तो 50 पुट कर दो यहाँ पे, तो तुम्हारा आ रहा है पल्स फ्रीक्वेंसी आ गया 5000, क्या आ गया 5000 पल्सेस पर सेकेंड, तो पल्सेस पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, पल्सेस पर सेकेंड को ही बोलते हैं हर्ट्ज, क्या बोलते हैं हर्ट्ज, तुम्हारा आंसर आ गया 5000 हर्ट्ज। अरे बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, 5000 हर्ट्ज, तो तीनों क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया एवरीवन, तीनों क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया, तीनों क्वेश्चन हमारा बन गया राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे जाबाज, मेरी आर्मी, देखिए एवरीवन, द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वी आर हैविंग, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वी आर हैविंग एवरीवन, सी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है एवरीवन, इसको देखिए, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, इट विल बी लाइक दिस, देखिए
देखो नेक्स्ट है आईईएसई कन्वेंशनल का है, देखो एवरीवन, देखो क्या कह रहा है कि द टेबल ऑफ ए सीएनसी मशीन इज ड्रीवन बाय अ लीड स्क्रू, द टेबल ऑफ ए सीएनसी मशीन इज ड्रीवन बाय अ लीड स्क्रू व्हिच इज रोटेटेड बाय अ डीसी सर्वो मोटर, ए डिजिटल इनकोडर व्हिच इमिट्स, डिजिटल इनकोडर व्हिच इमिट्स 1000 पल्सेस पर सेकेंड, मतलब राइट 1000 पल्सेस पर सेकेंड मतलब एफ दिया हुआ है आपको 1000 पल्सेस पर सेकेंड, 1000 पल्सेस पर सेकेंड राइट, ये दिया मतलब ये हर्ट्स में दिया हुआ है, मतलब 1000 हर्ट्स। ओके नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ए डिजिटल इनकोडर विच इमिट्स लाइक दिस द लीड स्क्रू विद अ फीडबैक डिवाइस, तो यहाँ पे फीडबैक डिवाइस है, तो मैं अभी आपको जब क्लोज लूप पढ़ाऊंगा वहां पे एक फीडबैक डिवाइस जब यूज करूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कुछ चीजें और बताऊंगा आपको फीडबैक, तो बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन, ये जो फीडबैक वाला क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा राइट। तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ द लीड स्क्रू पिच इज 6 mm, लीड स्क्रू का पिच दिया हुआ है दैट इज पी, पी इज योर 6 mm, तो पिच को मैंने बता दिया चुपचाप से क्या लिख देना है, चुपचाप से 6 mm पर रिवॉल्यूशन, ये आपको शॉर्टकट मैंने सिखा दिया। मोटर का आरपीएम एन दिया हुआ है बच्चों, ये कितना दिया हुआ है 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही है ना। अब आपको क्या बोल रहा है बीएलयू निकालने के लिए, बीएलयू ऑफ द सिस्टम क्या बोल रहा है, लीनियर वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो बच्चों, वेलोसिटी निकालोगे तो मालूम है तुम्हें वेलोसिटी क्या होता है एन इंटू पी, एन इंटू पी राइट, तो एन इंटू पी, एन कितना है 500 इंटू 6 मतलब, मतलब ये 3000 एमएम पर मिनट, बोलो ये आएगा 3000 एमएम पर मिनट एवरीवन, तो इसको सेकेंड में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा 50 एमएम पर सेकेंड राइट, तो 50 एमएम पर सेकेंड आ गया तुम्हारा टेबल स्पीड, तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू हो गया दैट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टेबल, दूसरा बोल रहा है द बेसिक लेंथ यूनिट ऑफ द सिस्टम बीएलयू ऑफ द सिस्टम, तो बीएलयू कैसे निकालेंगे आपको अभी जैसे बताया कि वी इज इक्वल टू क्या होता है बीएलयू इनटू एफ, पढ़ाया हूं ना सब, तो आपको ये मालूम है दैट इज योर 50 बीएलयू आपको चाहिए और फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है दैट इज योर 1000 पल्सेस पर सेकेंड, तो आपका ये आ जाएगा दैट इज द बीएलयू इज इक्वल टू एवरीवन That is 50 into 10 to the power minus 3 mm per pulse. ये आएगा ना 50 into 10 to the power minus 3 mm per pulse. तो 50 into क्योंकि ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 1000 right? तो 1000 मैंने put कर दिया यहाँ पे और ये दिया हुआ है 50 तो आपका यहाँ पे mm रह जाएगा और second second cancel out हो जाएगा okay? तो सेकेंड सेकेंड जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा, मतलब इसको माइक्रोमीटर में अगर बदले तो 50 माइक्रोमीटर पर पल्स, तो दैट इज योर 50 माइक्रोमीटर इज द बीएलयू। तो याद रखिए नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे जब फीडबैक डिवाइस, तो आपको आगे बताएंगे। ओके एवरीवन, अब चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं, जो गेट 2008 का प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये गेट 2008। उससे पहले एक दो क्वेश्चन और देखेंगे एवरीवन। नाउ अब केस टू देखते हैं हम लोग, जिसमें मैंने जो आपको पढ़ा रहा था क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे आपको कराए थे बच्चों। देखिए क्वेश्चन जो आपको कराए थे केस टू, देखिए केस टू में आपका विद गियर बॉक्स अगर हम लोग गियर बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा राइट right? चलिए विद गियर बॉक्स, अगर गियर बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आंसर क्या आएगा, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर वन, गियर बॉक्स का अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर गियर बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं विद गियर बॉक्स है हमारा, यहां पे ये आपका गियर बॉक्स है राइट, और ये आपका पिच है, पिच दिया हुआ है, कह रहा है द बीएलयू ऑफ द ड्राइव, इस ड्राइव का बीएलयू क्या होगा,
गियर बॉक्स है आपका फोर, कह रहा है स्टेपर मोटर्स 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन। क्या कह रहा है? 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन। अब सुनिए कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान। कह रहा है आपसे 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, राइट? ऐसा बोल रहा है कि 200 स्टेप्स हमारा क्या है, पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन, मतलब एक स्टेप में BLU निकालना है, तो BLU में मालूम है कि एक स्टेप्स की वजह से होता है। तो सुनिए, 200 स्टेप्स में वन रिवॉल्यूशन, अगर 200 स्टेप्स ये कंप्लीट कर रहा है मतलब एक रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ये कह रहा है। तो अगर एक स्टेप लगाएगा, एक स्टेप मतलब एक पल्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/200 रिवॉल्यूशन। ओके एवरीवन, 1/200 रिवॉल्यूशन। तो एक स्टेप का मतलब है कि एक पल्स, क्योंकि वन स्टेप पर पल्स होता है, वन स्टेप, देखो तो एक पल्स मतलब 1/200। तो एक पल्स या एक स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज योर BLU। तो इसी के वजह से, मतलब एक पल्स की वजह से जो भी टेबल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को बोलते हैं BLU। तो अब सुनो, तो एक पल्स अगर है तो स्टेपर मोटर, अगर कोई स्टेपर मोटर को एक पल्स मिल रहा है सिग्नल, तो ये 1/200 रिवॉल्यूशन लगा रहा है स्टेपर मोटर, अगर एक पल्स मिल रहा है तो। अब सुनो गौर से, यहां पे गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया, ये स्टेपर मोटर है, तो ये स्टेपर मोटर का जो आउटपुट होगा बच्चों, एकदम गौर से सुनिएगा, ये स्टेपर मोटर का जो आउटपुट होगा ये, इट विल बी लाइक दिस, एकदम गौर से सुनिएगा, यहां पे बहुत बारीक बात है, इट विल बी लाइक दिस। तो ये आपका, ये आपका कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, ये आपका देखिए, ये आपका 1/200 रिवॉल्यूशन लगाएगा 200 स्टेप्स की वजह से, राइट? तो 1/200 रिवॉल्यूशन, तो मैंने आपको शुरू में ही गियर बॉक्स के बारे में बताया कि गियर बॉक्स का रेशियो दिया हुआ है, गियर रेशियो। तो अगर ये नहीं होता तो ये जो लीड स्क्रू आपका है, देखिए लीड स्क्रू, ये लीड स्क्रू भी 1/200 रिवॉल्यूशन लगाता, लेकिन यहां पे स्पीड रिडक्शन हो गया। अब जो आपको जो आउटपुट आएगा, ये जो कनेक्ट है इससे डायरेक्टली, तो इसका जो RPM, ये कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, ये आप कैसे बताइएगा? इसका आपको गियर बॉक्स का गियर रेशियो दिया 1/4। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि गियर रेशियो होता क्या है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों कि गियर रेशियो होता है, दैट इज द आउटपुट स्पीड अपॉन इनपुट स्पीड, RPM ही पढ़ाया ना। इस क्वेश्चन में आपको गियर रेशियो दिया हुआ बच्चों 1/4, तो आउटपुट आपको चाहिए और इनपुट आपको मालूम है कि 1/200 रिवॉल्यूशन है आपका इनपुट, तो आपका आउटपुट स्पीड यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, आउटपुट RPM आपका आ जाएगा 1/800, बोलिए आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1/800, मतलब 1/800। तो ये गियर रेशियो 1/4 होने का मतलब है स्पीड क्या हो गया, रिड्यूस, तो ये आपका आ गया 1/800 रिवॉल्यूशन। अब आपको 1/800 रिवॉल्यूशन, तो अब आपको मालूम है कि ये एक लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू का पिच मालूम है 4 mm, राइट? पिच अगर 4 mm है तो एक रिवॉल्यूशन अगर ये घूमेगा तो ये टेबल PMM डिस्प्लेस करेगा। अगर ये लीड स्क्रू आपका एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो ये PMM जाएगा। तो चलिए, तो अगर अगर आपका एवरीवन, अगर आपका वन रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू करता तो ये PMM जाता पिच के बराबर, PMM। तो एक रिवॉल्यूशन में पिच कितना दिया हुआ है, पिच कितना दिया हुआ एवरीवन, पिच आपको दिया हुआ है इसका, दैट इज योर 4 mm। चलिए 4 जा रहा है, इट विल बी योर 4 mm, तो आपका जा रहा है 1/800 रिवॉल्यूशन, राइट? 1/800 रिवॉल्यूशन बच्चों, 1/800 रिवॉल्यूशन में 4/800 रिवॉल्यूशन, 4/800 mm, दिस विल बी 1/200 mm। 1/200 का मतलब हो गया, दैट इज योर 5 micrometer, क्या हो गया 5 micrometer, इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 micrometer। तो हमारा इसका जो राइट आंसर आ गया बच्चों, दैट विल बी योर 5 micrometer, करेक्ट? दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस सम, 5 micrometer। ओके एवरीवन, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गियर बॉक्स का कॉन्सेप्ट। चलिए गियर बॉक्स पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2008 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिए बच्चों, गेट 2008 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये,
ये क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर नहीं रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्या कह रहा है एवरीवन, ये दिस इज द क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, आई एम जस्ट कीपिंग इट हेयर। देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, देखिए देखिए गौर से यहां पे देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है इन अ फीड ड्राइव, ये क्वेश्चन है गेट 2008 का और ये 2 मार्क्स में आया, आईएएससी बैंगलोर पेपर बनाया था, राइट, तो दैट इज योर गेट, दिस पेपर, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2008, आईआईएससी बैंगलोर ने बनाया था पेपर, राइट, आईएएससी ने बनाया था। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि इन अ फीड ड्राइव ऑफ ए पी टू पी ओपन लूप सीएनसी, मैं क्लोज लूप भी आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, क्लोज लूप भी, उसका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ओपन लूप सीएनसी, राइट, ए स्टेपर मोटर रोटेटिंग एट 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, कितना लगा रहा है 200, इसको लिख लीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, सुनिए क्या कह रहा है 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, 200 स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन मतलब एक स्टेप्स एक पल्स होता है, आपको मैंने बताया यहां पे लिखा हुआ भी, देखिए लाइन, 1 स्टेप्स पर पल्स, बाय डिफॉल्ट ये रहता है एक पल्स में एक स्टेप घूम जाता है, कौन, स्टेपर मोटर, तो इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 200 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, आराम से इसको लिख सकते हैं, राइट, मतलब एक रिवॉल्यूशन 200 पल्स देंगे तो एक रिवॉल्यूशन जाएगा। अब सुनिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिच दिया हुआ है इसका, एक गियर बॉक्स भी दिए, गियर बॉक्स का एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने कराया आपको, पिच दिया हुआ है 4 mm और नंबर ऑफ स्टार्ट है 1, तो नंबर ऑफ स्टार्ट 1 है, इसका साफ मतलब है कि अगर लीड स्क्रू अगर एक रिवॉल्यूशन लगाएगा तो PMM क्या होगा, वर्क टेबल डिस्प्लेस होगा, अगर नंबर ऑफ स्टार्ट 2 होता तो 4 × 8 8 mm क्या होता, वो डिस्प्लेस होता, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि लीड के बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। चलिए तो पिच दिया हुआ है बच्चों आपको 4, पिच दिया हुआ है दैट इज योर 4 mm, तो मैंने आपको बताया पिच को आप लिख सकते हैं 4 mm पर रिवॉल्यूशन, आंख बंद करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिच क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन के डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं पिच। अब देखिए बोल रहा है कि गियर रेशियो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि गियर रेशियो क्या है, आउटपुट आरपीएम बाई इनपुट आरपीएम, और ये 1/4 मतलब जस्ट पहले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये पल्स जनरेटर है जो 10,000 पल्सेस पर मिनट दे रहा है, 10,000 पल्स मतलब ये पल्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है बच्चों, एफ ppm में पल्सेस पर मिनट, मैंने पढ़ाया ppm मतलब 10,000 ppm पल्स पर मिनट, 10,000 पल्सेस पर मिनट, राइट, चलिए ये भी दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए गौर से, आप समझिए, बनाइए क्वेश्चन को, कह रहा है क्या, एकदम सिंपल सी बात, पल्स जनरेटर पल्स जनरेट किया, स्टेपर मोटर के पास गया बच्चों, एक मिनट सॉरी, देखो हाँ चलो ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि ओके, देखो देखिए एवरीवन क्या कह रहा है आपका कि पल्स जनरेटर जो है, पल्स जनरेटर ने पल्स जनरेट किया आपका, और ये सर्टेन नंबर ऑफ पल्स क्या हो रहा है, स्टेपर मोटर के पास जा रहा है, फिर गियर बॉक्स है, तो गियर बॉक्स जैसे ही आएगा स्पीड में रिडक्शन होगा बच्चों। तो अब आपको पहले, सबसे पहले आपका जॉब होगा कि आप निकालिए कि स्टेपर मोटर कितना रिवॉल्व किया और स्टेपर मोटर के बाद जो शाफ्ट है वो कितना रिवॉल्यूशन लगाया, क्योंकि ये शाफ्ट जितना रिवॉल्यूशन लगाएगा और गियर रेशियो का इस्तेमाल करके हम पता करेंगे कि लीड स्क्रू एक्चुअल में कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा है, क्योंकि लीड स्क्रू का हमें मालूम है कि वो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्प्लेस करता है, वो हमें मालूम है, राइट, तो कितना रिवॉल्यूशन लगेगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब सुनिए क्या कह रहा है आपको, एकदम आंख बंद करके सुनिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। तो कह रहा है आपसे कि 200 पल्सेस एक रिवॉल्यूशन, तो हमें चाहिए BLU, BLU का मतलब होता है एक पल्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, BLU का मतलब होता है एक पल्स की वजह से कितना डिस्प्लेस, सुनिए, तो 200 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, तो मैं यहां पे बना रहा हूं बच्चों, देखो 200 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, सुनो एकदम गौर से, एकदम यूनिटरी मेथड लगाना है, बाकी कुछ नहीं,
मतलब 200 पल्स में एक रिवॉल्यूशन आप बात कर रहे हैं, 200 पल्सेस में एक रिवॉल्यूशन एवरीवन, यही कह रहे हैं ना, 200 पल्सेस में एक रिवॉल्यूशन। तो एक पल्सेस में कितना होगा बच्चों, एक पल्स अगर देंगे तो 1/200 रिवॉल्यूशन होगा आपका, 1/200 रिवॉल्यूशन होगा। अब सुनिए, तो आपको चाहिए BLU, तो BLU का मतलब होता है एक पल्स की वजह से चाहिए, तो एक पल्स हमने दिया यहां पे, एक पल्स दिया और ये 1/200 रिवॉल्यूशन लगाएगा। तो स्टेपर मोटर को अगर एक पल्स मिलेगा तो वर्क टेबल आपका जितना डिस्प्लेस करेगा उसे ही बोलते हैं BLU। तो चलिए, एक पल्स जब हमने दिया, BLU निकालने के लिए मैंने एक पल्स दिया, एक पल्स दिया तो ये घूम गया बच्चों, कितना घूमा देखिए, ये घूम गया आपका 1/200, इतना ही लगाया ना, 1/200 रिवॉल्यूशन, यही किया ना एवरीवन, 1/200 रिवॉल्यूशन कर लिया। अब आपको पता करना है कि ये कितना घूमा, ये लीड स्क्रू, क्योंकि यहां पे आ गया भैया गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स का दिया हुआ गियर रेशियो, तो ये है आपका आउटपुट है, ये है गियर बॉक्स का इनपुट, ये वाला 1/200 रिवॉल्यूशन क्या है, इनपुट। तो चलिए, तो आपको अगर मान लीजिए गियर रेशियो दिया हुआ है, एवरीवन गौर से देखिए, अगर आपको दिया हुआ है गियर रेशियो, गियर रेशियो क्या होता है, एन आउटपुट बाय एन इनपुट, तो ये दिया हुआ है 1/4, तो आउटपुट आपको चाहिए और इनपुट आपको मालूम है 1/200। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आउटपुट स्पीड कितनी आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी 1/800 आएगी, 1/800 RPM। चलिए, आपको ये मालूम चल गया कि 1/800 आएगी, बहुत बढ़िया, 1/800 रिवॉल्यूशन वो लगाएगा, क्योंकि स्पीड रिडक्शन हो गया है, तो 1/800 रिवॉल्यूशन अगर ये लगा रहा है भाई, सुनो, ये अगर 1/800 रिवॉल्यूशन लगा रहा है ये ना, तो ये लीड स्क्रू 1/800, तुम्हें मालूम है कि अगर ये एक रिवॉल्यूशन लगाएगा तो ये PMM डिस्प्लेस करेगा, तो अगर ये 1/800 रिवॉल्यूशन लगाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और 1/800 रिवॉल्यूशन किसके कोरस्पॉन्डिंग लगा रहा है, वन पल्स के, इसी को क्या बोलेंगे, BLU, इसी को क्या बोलेंगे, BLU, राइट। देखो, तो हमें मालूम चल गया, एक चीज मालूम चल गई हमें, पिच हमें दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है एवरीवन, तो पिच दिया हुआ है तो आप बोलेंगे कि वन रिवॉल्यूशन में ये टेबल डिस्प्लेस करता है PMM, करता है, तो वन रिवॉल्यूशन में पिच कितना दिया हुआ है, पिच देखो, पिच दिया हुआ है 4 mm, चार, तो चार ले लो, चार ले लो 4 mm, तो एक्चुअल में एक पल्स देने पे कितना रिवॉल्व कर रहा है, 1/800, अच्छा 1/200 करता, कब करता है 1/200, अगर गियर बॉक्स नहीं रहता तो, लेकिन गियर बॉक्स है तो ये हो जाएगा 4 × 1/800, तो ये आ रहा है 1/200 mm, राइट, 1/200 mm, एवरीवन 1/200 mm आपका आ रहा है, तो 1/200 mm का मतलब क्या हो गया, इट विल बी योर लाइक दिस, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, 1/200 का मतलब हो गया 5 माइक्रोमीटर, मतलब हमें पता चल गया कि BLU जो है बच्चों, हमें पता चल गया कि BLU जो है आपका, दैट इज योर एक पल्स की वजह से, दैट इज योर 5 माइक्रोमीटर, करेक्ट, तो माइक्रोमीटर ड्यू टू वन पल्स, तो इसको याद रखिएगा, दैट इज बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत मस्त है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा फेवरेट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो BLU आ गया 5 माइक्रोमीटर, इसको टिक कर दीजिए आप, 5, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर ही, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक कस्टमर इंसिस्ट कर रहा है ऑन द मॉडिफिकेशन टू चेंज द BLU, वो कह रहा है कि भैया BLU को बदल दीजिए, BLU को कह रहा है कि बदल के कर दीजिए 10 माइक्रोमीटर, BLU को बदले कर दीजिए 10 माइक्रोमीटर विदाउट चेंजिंग द टेबल स्पीड, टेबल स्पीड को बिना चेंज किए हुए BLU को आपको क्या कर देना है, बदल देना है, राइट, टेबल स्पीड को कांस्टेंट रखे, तो बोल रहा है कि U क्या हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो F क्या हो जाएगा, F/2 हो जाएगा, या F कांस्टेंट रहेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आइए देखते हैं इसको। तो बोल रहा है कि टेबल स्पीड को क्या करना है, विदाउट चेंजिंग, तो चलिए पहले टेबल स्पीड हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो आपको तो मैंने सिखाया है कि टेबल स्पीड कैसे निकालते हैं, RPM आपको दिया होगा बच्चों, राइट, तो टेबल स्पीड अगर इसका हम लोग निकाले, सबसे पहले तो BLU इंटू F, तो टेबल स्पीड आपको मालूम है, मैंने शुरू में ही पढ़ाया आपको कि अगर आप लोग केस 1, यहां पे 2 केस है बच्चों, केस 1 एंड केस 2,
दो केस में बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखिए केस वन एंड केस टू। देखो तो पहले केस में आपका बीएलयू जो है बच्चों क्या है, फर्स्ट केस में बीएलयू वन आपने निकाला था 5 माइक्रोमीटर। अब एक कस्टमर आया आपको कह रहा है कि भैया बीएलयू चेंज कर दीजिए, मैं बीएलयू कर दीजिए 10, यही कह रहा था ना, बीएलयू 10 माइक्रोमीटर करने के लिए बोल रहा था। देख लेते एक बार क्वेश्चन में, 10 ही बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है। कस्टमर साहब क्या बोल रहे थे? कस्टमर साहब बोले थे 10 माइक्रोमीटर। जी बिल्कुल, कस्टमर बोले थे कि 10 माइक्रोमीटर कर दीजिए, ओके, विदाउट चेंजिंग द टेबल स्पीड। चलिए तो टेबल स्पीड पहले निकाल लेते हैं, टेबल स्पीड निकाल लेते हैं एवरीवन। तो आपको मालूम है बीएलयू इनटू फ्रीक्वेंसी, तो पल्स फ्रीक्वेंसी F1 देखिए, पल्स फ्रीक्वेंसी 10,000 दिया हुआ है, 10,000 पल्सेस पर सेकेंड मालूम है आपको, 10,000 पल्सेस क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए यहां पे दिया हुआ है 10,000 पल्स पर मिनट आपको दिया हुआ है इनिशियली, 10,000 पल्स पर मिनट दिया हुआ है, ये कोई बात नहीं, पल्स पर मिनट कोई दिक्कत का बात नहीं। तो आपको मालूम है कि BLU क्या होता है बाय डिफॉल्ट, दैट इज माइक्रोमीटर पर पल्स। BLU आप जानते हैं कि इनडायरेक्टली BLU क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यू टू वन पल्स। तो चलिए अगर हम लोग टेबल स्पीड की बात करें, V1 हमारा टेबल स्पीड है, तो आपको मैंने पढ़ाया है कि ये क्या होता है BLU1 into F1, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, पीछे जाके देखिए वीडियो में। तो आप जब देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000 माइक्रोमीटर पर मिनट, यही आ जाएगा 50,000 माइक्रोमीटर, पल्स कट जाएगा, राइट, पल्सेस कट जाएगा, क्योंकि बीएलयू में भी पल्सेस आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ समझिएगा, बीएलयू होता है माइक्रोमीटर पर पल्स, तो पल्स कट जाएगा। तो ये आ गया 50,000 माइक्रोमीटर पर मिनट। चलिए ओके, तो ये टेबल स्पीड, तो कह रहे हैं टेबल स्पीड को यही रखो। तो आपको एक बात बताइए, F2 आपको चाहिए ये फ्रीक्वेंसी, और टेबल स्पीड को आपके कह रहा है कि इसी को रखना है, यही रखना है क्या, 50,000 माइक्रोमीटर पर मिनट, यही टेबल स्पीड मेंटेन करना है आपको, इसको बदलना नहीं है, टेबल स्पीड 50,000 ही रखना है केस टू में, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है। तो अगर आपको ये कांस्टेंट रखना है तो जल्दी से बताइए मुझे एवरीवन। चलिए तो अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपको तो मालूम है कि V2 इज इक्वल्स टू BLU2 इंटू F2, इससे निकलेगा ना BLU2 इंटू F2, राइट, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एवरीवन, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो मैं अगर उधर नहीं दिख रहा है, मैं इधर कर दे रहा हूं, उधर दिखता नहीं है मेरा हाथ, मेरा फोटो आ जाता है ना। चलो देखो, अगर हमें ये चाहिए तो हमें मालूम है कि ये हमारा ऐसा होगा लाइक दिस, तो हमें हमें ये मालूम है कि V2 कांस्टेंट है, तो इट विल बी लाइक दिस, दैट इज योर 50,000 माइक्रोमीटर पर मिनट इनटू BLU2। BLU2 देखिए क्या है, 10, चेंज कर दिया था BLU, दैट इज 10 माइक्रोमीटर, इट इज योर 10 इनटू F2। तो आपको F2 यहां से आ रहा है बच्चों, दैट इज योर 5,000। अब यूनिट क्या आएगा एवरीवन, देखिए यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपने पुट किया माइक्रोमीटर पर मिनट में, राइट, और BLU आपका क्या होता है, माइक्रोमीटर पर पल्स, राइट, माइक्रोमीटर पर पल्स, तो क्या आ जाएगा, पल्सेस पर मिनट, जो आपका पहले था, जो आपका यहां पे था वही आ जाएगा। तो 5,000 आ गया पल्सेस पर मिनट, तो ये आ गया 5,000 पल्सेस पर मिनट आ गया F2। अगर आप सेम टेबल स्पीड रखते हैं तो, मतलब इसको आप, मैं दूसरे कलर से यहां पे शो कर रहा हूं, दैट इज योर 5,000 पल्सेस पर मिनट। तो आप देखो, गौर से इसको एनालाइज करो कि क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, पल्स फ्रीक्वेंसी पहले तुम्हारा 10,000 था, अगर तुम BLU को डबल कर रहे हो, एकदम सिंपल सा आंसर है, BLU को अगर तुम डबल कर, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं थी, मैं दिखाता हूं आपको, BLU को तुम डबल कर दिए ना, तो तुम्हारा, और टेबल स्पीड को कांस्टेंट रखे सेम, तो तुम्हारा पल्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, हाफ हो गया। देखो F2 तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, F2 इज 2 times F1, F2 इज F1 by 2, F2 इज F1 by 2 everyone, F2 इज F1 by 2, यही आ रहा है हमारा रिजल्ट, F2 इज F1 by 2। तो आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाइएगा, सुनिए, ये तो मैंने दिखाया आपको कि ये हाफ हो गया, मतलब 10,000 by 5,000, ये एक मिनट डिस्चार्ज हो रहा है, एक मिनट बच्चों, बात समझ में आई या नहीं? तो
तो एकदम सिंपल बात था क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या, कि जैसे ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं हमें तो ये फॉर्मूला मालूम है कि V इज इक्वल्स टू बी एल यू इन टू एफ, यही है ना। अगर आप V को कांस्टेंट रख रहे हैं, V कांस्टेंट है तो कीपिंग द V कांस्टेंट, V जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा तो हम लोग देखिए एट कांस्टेंट V, एट कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है टेस्ट सीरीज में, एट कांस्टेंट टेबल स्पीड, एट कांस्टेंट टेबल स्पीड अपन ये यूज कर सकते हैं क्या, अपन ये यूज कर सकते हैं कि बी एल यू वन इंटू एफ वन इज इक्वल्स टू बी एल यू टू इंटू एफ टू, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आपका बी एल यू क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, पांच से क्या हो जा रहा है दस, तो अगर ये वाला डबल होगा ये बढ़ेगा तो क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा ना, तो ये हाफ हो जाएगा। बात समझ में आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपका बी एल यू डबल होगा तो f क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ये आपका ग्राफ जो आ जाएगा बी एल यू वर्सेज, तो ये आपका ऐसा आएगा बच्चों, तो ये आपका बी एल यू वर्सेज, अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा बच्चों। तो ये एक तरफ आपका बी एल यू आएगा, एक तरफ आपका बी एल यू आएगा और एक तरफ आपका फ्रीक्वेंसी आएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट, राइट। चलिए तो ये आप समझ गए एवरीवन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, राइट, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि द मॉडिफिकेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, तो आपको साफ साफ दिख गया कि रिड्यूसिंग द एफ टू एफ बाय टू, तो ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दीजिए, नहीं 10,000 से कहां आ गया 5,000 पे, तो उसको घटना है, BLU डबल मतलब ये घटेगा, तो F to F by 2, F to 2F, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बोलिए सर ये नहीं समझ में आया कि U 1 by 2 कैसे होगा, चेंजिंग U टू, देखो U को 1 by 2 तब करेंगे, U को अगर 1 by 2 नहीं करेंगे 1 by 4 ही रहने देंगे, तो ये 10 माइक्रोमीटर हमें BLU नहीं मिलेगा, क्योंकि BLU 10 माइक्रोमीटर तभी मिलेगा जब तुम U को क्या करोगे, चेंज करोगे, राइट। बात समझ में आई, तो देखो मैं इसको बता दे रहा हूं, यहां पे आपको तुरंत बता दे रहा हूं, देखो U को रोहित जी सर, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग बहुत अच्छा है सर, देखा मैंने, थैंक यू रोहित फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि और भी बच्चे देखें, आप तारीफ कर रहे हैं लेक्चर्स की, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू हैव डिस्कस्ड ऑल द न्यूमेरिकल, तो प्लीज सर ऐसा ही मेट्रोलॉजी के सब करा दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग करा दूंगा, नो नीड टू वरी रोहित, जस्ट फॉलो मी, आप देखते रहिए सब करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, द टाइम इज गोइंग टू ओवर नाउ, के यू जो है आपका जो 10 माइक्रोमीटर, ये कैसे मिलेगा, जब यू कहाँ हो जाएगा आपका, स्पीड रेशियो जो गियर रेशियो है 1/2 पे आ जाएगा, देखिए कैसे आ जाएगा 1/2 पे एवरीवन। तो जैसे ही आप करेंगे, देखिए सेम प्रिंसिपल को मैं फॉलो कर रहा हूँ एवरीवन, देखिए मैं सेम रिजल्ट को कॉपी कर रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, इसलिए मैं केस टू में जो आपका ये प्रोसीजर सेम फॉलो करेगा, क्योंकि बीएलयू आपका डबल हो रहा है। देखिए यहां पे केस टू को जब आप देखेंगे, केस टू, हाँ भैया गेट से पहले ही कराऊंगा, गेट के बाद थोड़ी कराऊंगा। देखो केस टू की अगर तुम बात करोगे तो केस टू में कैसे BLU आपका 10 माइक्रोमीटर आएगा, BLU 10 माइक्रोमीटर आने के लिए U को 1/2 होना पड़ेगा। देखो कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 पल्सेस एक रिवॉल्यूशन, तो एक पल्स 1/200 रिवॉल्यूशन, यहां तक एकदम सही है। जैसे ही गियर रेशियो हम 1/2 करेंगे, सुनो गियर रेशियो मैं करूंगा 1/2, तो 1/2 करेंगे गियर रेशियो एवरीवन, तो ये हमारा आ जाएगा आउटपुट शाफ्ट का स्पीड आ जाएगा आपका 1/400, कितना आ जाएगा 1/400 रिवॉल्यूशन आएगा आउटपुट का। अब सुनिए, अब आपको मालूम है कि एक रिवॉल्यूशन PMM, क्योंकि जो भी आपका पिच दिया रहेगा, एक रिवॉल्यूशन अगर लीड स्क्रू कंप्लीट करेगा तो PMM ट्रैवल करेगा, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब PMM, और गियर रेशियो जब आप कर दिए, कितना गियर रेशियो जब 1/2 कर दिए, तो स्पीड कितना आ गया, RPM कितना आ गया लीड स्क्रू का, अब आ गया 1/400, पहले 1/4 किए थे तो 1/800 आया था, तो 1/400 के लिए जब निकालेंगे यहां पे 1/400 के लिए बच्चों निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 1/400, तो ये 4/4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/100, 1/100 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1/100 mm मतलब 10 माइक्रोमीटर,
दस माइक्रोमीटर मतलब BLU, जो कस्टमर बोल रहा था कि BLU को चेंज कर दीजिए, BLU को डबल कर दीजिए, तो BLU डबल ऐसा ही नहीं हो जाएगा बोल देने से। BLU चेंज करने के लिए गियर रेशियो को क्या होना पड़ेगा, गियर रेशियो को 1/2 होना पड़ेगा, तभी BLU चेंज होगा बच्चों, अदरवाइज नहीं चेंज होगा। ओके चलिए 10 माइक्रोमीटर तो दैट इज द BLU 2 इन द सेकेंड केस व्हेन आपका व्हेन गियर रेशियो U इज इक्वल्स टू 1/2 राइट। और आपका BLU जो है ये वाला पहले केस में, इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं, अगर कोई लड़के नहीं लिख पाए हो प्लीज सी एवरीवन, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको आप देख लीजिए एक बार एवरीवन, जो भी मैंने अभी काम किया यहीं से काम किया मैंने, तो आप इसको एक बार देख लीजिए एवरीवन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ओके बच्चों ओके चलिए चलिए 200 पल्सेस पर रिवॉल्यूशन। ओके एवरीवन तो राइट, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया BLU 2 और BLU 1 की जो बात की गई थी यहाँ पे कि BLU जो आपका आया था ये वाला पहला वाला केस, तो ये आपका आया था दैट इज योर BLU 1 फर्स्ट केस में, और ये कब आया था व्हेन U इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए गियर रेशियो जो होता है ना बच्चों, यू गियर रेशियो जो होता है ना ये हाईली अफेक्ट करता है BLU को, इसको याद रखिएगा। तो गाइज आई हैव almost done each and every problem from the question bank on this YouTube, I have given you, I have solved the free lectures by Unacademy, I have given you all the wonderful numericals, and if you want to get the PDF just follow me on Unacademy and just dedicate me hats if you are liking my lectures and hit the like buttons and try to solve all the numericals and vaada karo mujhse ki ek bhi numerical nahi chhodunga. Now the students are insisting me to sir, can you go through in a similar fashion the metrology numericals? Definitely, I will share the metrology numericals with you so that maximum number of the students can solve in the gate paper the metrology numericals. And guys, one more announcement that I am going to conduct a marathon for production. That is your 12-hour marathon, right? That is going to be done soon. Okay, so that marathon will really help you to crack the gate paper. And you can learn so many things from the marathon. So everyone, तो हमारा control open close loop control unit रह गया, तो that उससे question ऐसे gate में आया नहीं है अभी तक, लेकिन आ सकता है। I have 2-3 problems that I used to discuss in my plus courses, guys. So please bye everyone. कैसा लगा comment box में जरूर बताएंगे बच्चों. Thank you everyone. See you tomorrow. And crack gate and EAC. Thank you. Bye. And use IAS10 code and hit the like button everyone for the notifications. और comment box में जरूर बताइए कि ये lecture attend करके आपको मजा आया या नहीं मजा आया। अगर मजा आया तो अयाज सर को follow कीजिएगा, अयाज सर अनअकैडमी टेलीग्राम पेज, अयाज सर अनअकैडमी गेट लीड टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा सारे बच्चे। थैंक यू, बाय एवरीवन, सी यू।